फाइनल में बड़े लंबे अरसे के बाद एक लग रहा था कि इस बार ही कुछ होगा। केएल राहुल अभी नजर आ रहे हैं बड़े ही इमोशनल, मतलब ऑन हिज नीज और बड़े भावुक, और यही शायद हर एक इंडियन का इस वक्त एक इमोशन है कि बहुत ज्यादा दर्द है और जो चीज हुई है। आई थिंक 44 पर जब 3 हुए तो सबको ये लगा, और आई थिंक प्लान्स भी बनने लगे होंगे कि अब जो है वर्ल्ड कप जीत की तैयारी कैसे होगी, क्या कुछ रहेगा। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड और मानस लबुशेन, दो अलग अलग इंडिविजुअल खेलने का तरीका बिल्कुल अलग अलग। मानस लबुशेन वाले अंदाज से तो इंडिया की तरफ से बैटिंग चलती रही, बट ट्रेविस हेड गेम चेंजर। आज जो रोहित शर्मा की उन्होंने कैच ली थी, लक पूरे तरीके से उनके साथ था, रनआउट का भी चांस बन रहा था, कुछ भी हो रहा था तो आज पूरा उनके साथ था। लेकिन जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, सेमीफाइनल अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को जितवाया उन्होंने वहां पर विद द बॉल विद द बैट, आज इन द फील्ड जो कैच ली उसके बाद जो बैटिंग करके दी है, तो ट्रेविस हेड एक बहुत बड़ा फर्क रहे मैच में। लेकिन बात फिर ये भी आती है कि जो कंडीशंस पैट कमिंस ने रीड करी धीरज भाई, आज शायद टॉस पर जो सब लोग लग रहे थे यार कितनी बड़ी गलती कर दी, ब्लंडर हो गया क्या ये और किस तरीके से चीजें रही, वहां पर पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलिया की टीम मैनेजमेंट ने ये बता दिया कि क्यों भाई वो 70-75% पर खेलकर ये वर्ल्ड कप लेके जा रही है। 70-75 पे खेल रहे थे वर्ल्ड कप, या आज वो 200 के उसमें खेल गए वर्ल्ड कप। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जिस हिसाब से इन्होंने खेला है, मतलब सबसे बड़ा तो ट्रेविस हेड को, क्योंकि वो एक अगला पगला क्रिकेटर है, उसको पता था सामने बॉल का थोड़ा सा है, इंडिया चढ़ेगा। लास्ट मैच में भी हमने देखा था कि महाराज का पहला बॉल उसको आउट करके गया, लेकिन आज वो जो होता है ना वो किल के लिए गया, वो सब बहुत अलग क्रिकेट खेला। और लबुशेन, देखो यार लबुशेन जब स्टार्ट में वर्ल्ड कप में आया था मनोज, वो 18 में भी नहीं था, उसने वो साउथ अफ्रीका में जाके जो 5 मैच की सीरीज थी उसके स्टार्टिंग के 2 मैच में मैन ऑफ द मैच था, और कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ से लाख गुना बेटर क्रिकेट खेला। गिफ्ट दे दिया स्टीव स्मिथ को लबुशेन ने, बाय द वे, कि आपने तो कुछ किया नहीं, जो उन्होंने खेली पार्टनरशिप लगाई है, लबुशेन इतनी इन्फ्लुएंशियल इनिंग्स खेल जाएंगे। इंडिया के लिए नुकसान ये हो गया कि ड्यू आ गया थोड़ा सा बाद में, बट ड्यू पर भी आएंगे आई थिंक। मैं इंडिया की बोलिंग टैक्टिक्स पर भी आएंगे, किस तरीके से बोलिंग की भी टैक्टिक्स रही, क्योंकि सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ड्यू के भरोसे उस तरीके से डालने। 240 सबको पता था कि टोटल कम है, बट जो आपको स्टार्ट लगी जो मोमेंटम मिला उसके बाद आई थिंक जय भाई गेंदबाजी भी जो हुई, जो हम बात करते कि फील्ड की और थोड़ा सा आपको कभी जब चैलेंज होते हो आपको कुछ डिफरेंटली करना था यार, ऑलमोस्ट 150-200 रन की पार्टनरशिप लगा जाए कोई सामने से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जो बीच का फेज एकदम ही शांत होते 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 बिल्कुल ही शांत हो गया सब कुछ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ट्रेविस हेड ने आपको बहुत ज्यादा मौके दिए। जब खेल रहे तो बड़ी क्लीन हिटिंग कर रहे थे, स्पिनर्स को खेल रहे थे, थोड़ा बहुत उन जडेजा ने उनको तंग किया, बट उसके अलावा और किसी गेंदबाज ने उनको तंग किया? बड़े आराम से जब भी चेंजेस हुए भाई, जब रन बनने लगे आसानी से, रोहित शर्मा पहले शमी को लेके आए, उनको आगे बढ़ के चौका मारा सीधा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया कि भाई आपकी वापसी का कोई चांस है। बुमराह है, बुमराह को भी एक ओवर में 10 रन मार दिए, तो मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा उन्होंने अपनी तरफ से। और उनका मतलब वही चीज कह सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया आज बेटर दिखा है हर वही चीज। दीपक भाई जो अभी जय भाई ने भी कहा कि जहां पर देखो द मोमेंट आप शमी को वापस लेकर आए तो वही आपका था कि कम बैक के लिए आप जा रहे हो शमी पर। ट्रेविस हेड क्या करते हैं, उनको सर के ऊपर से मारते हैं सीधा पहला बॉल। हर कोई रेपुटेशन पर खेलते हैं ना, किसी की हम बात करते हैं, ट्रेविस हेड ने पहला ही बॉल सर के ऊपर से मारा, फिर रोहित शर्मा जाते हैं बुमराह के गेंदबाज के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होती है कहूंगा कि अगर कोई बल्लेबाज के ऊपर से सीधे और उसके बाद बुमराह के पास जाते हैं, बुमराह थोड़ी स्लोअर में ट्राई करते हैं, ट्रेविस हेड उस पर भी जाते हैं कि मैं पहली बॉलों पर ही आपको कर दूंगा। इंडिया बैटिंग से तो चलो उस टाइम थोड़ा विकेट फंस रहा था जो भी हो समझ में आता है, बट बोलिंग से यार हमने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया, बिल्कुल किया था। आज भी जो स्टार्ट मिली मैं ये बोलता हूँ कि हम 10 विकेट से कई बार हारे हैं नॉकआउट्स में जाके, पिछले बार इंग्लैंड से भी हारे T20 वर्ल्ड कप, बट यार ये बोलिंग लाइनअप हमारा अगर ऐसा करके देता है आज के दिन, पहले बात तो बॉल इनका सही नहीं पड़ रहा था जो यार फेयर है, ये वर्ल्ड कप हम नहीं जीते तो ये बात करना जरूरी है, आपका बॉल टप्पे पे नहीं पड़ रहा था। उसके बाद चलो बुमराह का पहला ओवर महंगा गया, बुमराह उसके बाद लाइन पे आया विकेट निकाल के दी शमी भाई ने, लेकिन उसके बाद क्या यार प्रेशर बना हुआ, उसके बाद क्या क्या किया आपने? और वहीं पर आप वर्ल्ड कप मजाक नहीं है यार, 4 साल में एक बार आता है यार, और ये सबसे बेस्ट चांस था इंडिया का जीतने का, और ये फॉर्मेट घर पर वर्ल्ड कप हो रहा है। दीपक आपको लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया की तो बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले इंडिया की तरफ से बोलिंग में जो हमने जो देखा है कि मतलब बस एक शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वेट हो रहा है कि वो कोई गलती करते विकेट आ जाए, यहां से नहीं दिख रहा था। ये टूर्नामेंट बोलिंग जिताती है, ये जिताता है, बैटिंग नहीं जिताती भाई। पैट कमिंस जिसको सवाल उठाते थे कि भाई इसकी बोलिंग नहीं है वाइड बॉल के लायक, उसने आज स्किल सेट दिखाया ना भाई। जो बॉल हम कह भी रहे थे कि आप थोड़ा सा डबल पेस रहेगा ठीक है, बाद में ड्यू से सेटल इन होता है, बट कितना ही हमने शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज देखी वहां पर, वही हुआ कि आप फिर बिल्कुल बाद में जब वेल सेट बिल्कुल सेट होकर आ रही है स्लोअर वंस कटर्स, उस पर कुछ होना नहीं था फिर उस टाइम पर। बात पता है क्या, जैसे कि 47 पे 3 हुए तो लोगों ने सोचा कि यार अब तो जीत जाएंगे यहां से, वहीं पे नहीं छोड़ा जाता ना, आपको आगे भी विकेट लेने होते हैं। उसके बाद मुझे पर्सनली इस गेम में ठीक है 240 रन बने चल रहा था कोई नहीं,
आपको थोड़ी अच्छी बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी गेम रहता है ऑन, और तीन विकेट जब आप ले लो 10 ओवर के अंदर ही 50 रन से पहले, कुलदीप यादव जहां पर आए ना, और कुलदीप यादव ने जो लूज डिलीवरी डालनी शुरू की, कुलदीप यादव को पता ही नहीं चल रहा था वहां पर कि करना क्या है। कुलदीप यादव ऐसे आए थे जैसे बस उनको आके ये मैच बॉल डाल के निकलना है, वो हाथ से छोड़ रहे थे बॉल, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता विकेट चाहिए नहीं चाहिए, वहां से जो 20-30-40 रन आए। दूसरा मैंने एक चीज और समझी, यार रविंद्र जडेजा ने 1 ओवर में परेशान किया था, उसके बाद रविंद्र जडेजा गायब रहे तकरीबन 8-9 ओवर, रविंद्र जडेजा आए ही नहीं। तो मोहम्मद सिराज, दूसरी चीज कि आप एक प्लान के थ्रू आ रहे हो कि यार पहला ओवर बुमराह डालेंगे, हम सिराज के साथ जाएंगे, फिर शमी को लाएंगे, आपने सिराज का कॉन्फिडेंस वही खत्म कर दिया। आज आपके पांचवे बॉलर थे, आज आपके सिराज फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन थे। दूसरी चीज क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि यार पांच ही बॉलर है इनके पास, एक को टारगेट करेंगे ना तो सब घबराएंगे। और आज यार देखो ना टारगेट हुआ ना कुछ, ट्रेविस हेड ने देखो, ट्रेविस हेड की भी आज शुरुआत देखो इनिंग्स की तो थोड़ी फंसी फंसी रही, और जो दीपक शाह जो कुलदीप के लिए बात करें वो ये था कि आपको नजर आता था कि बहुत ही हल्का बॉल डाल रहे हैं, कुलदीप को लेकर चहल बैठे, बहुत लोग बैठे यार, अश्विन भी नहीं खेले, एक ये रहता था कुलदीप यादव ना इस वर्ल्ड कप में एक्स फैक्टर होंगे इंडिया के, आज वो गए एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, आज वो हो गए, लेकिन वो ही खराब पॉइंट से एक्स फैक्टर रहे। मुझे तो मतलब कुलदीप की गेंदबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था यार उनको ऑस्ट्रेलिया को फर्क ही नहीं पड़ रहा। दूसरी चीज यार, जब 240 रन होते हैं कंडीशन वंडीशन, एक केविन पीटरसन ने शायद ट्वीट किया था, मुझे वो सही बात लगी कि यार आप देखते हो कि 126 पे तीन दोनों के हैं इस सेम टाइम पे, पर ऑस्ट्रेलिया को पता है कितने रन बना रहे हैं, और इंडिया को तो पता ही नहीं कि कितना 300 जाना है, 350, 280। तो ऑस्ट्रेलिया ने बताया, और जो हम डीएनए बात करते हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया आई थिंक अपने सबसे वीक पॉइंट पे खड़ा है, साल में 2 बार चैंपियन बन चुका है, और हम अपनी सबसे ताकतवर टीम के साथ भी चैंपियन नहीं बन पाए, तो इट मीन्स कि कहीं बहुत बड़ा गैप है जो शायद किसी को दिखता नहीं है, और जो किसी को दिखता नहीं है वो गैप भी जो खुशी जिस तरीके से गेम देखने को मिली है वहां पर, यही राय कि गैप क्या है, स्किल सेट वाइज भी कोई कमी नहीं थी कुछ नहीं था, बट जब मैटर करना था सबसे ज्यादा वहां पर, आज देखो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल लॉक ट्रेविस हेड तो खेले खेले, बट मानस लबुशेन करके चले गए काम अपना, तो वो भी फर्क रहा कि इंडिया समहाउ, मतलब ऐसा लगा कि ये वो इंडियन बॉलिंग लाइनअप नहीं लगा आपको जो आपने पूरे वर्ल्ड कप में देखा था। कंडीशन जो भी आ रहे उन्होंने हर कंडीशन में बॉल डाला था, आज तो ऐसा हुआ कि बस मैच खत्म होने का वेट बस हो गया था एक टाइम पर कि खत्म कब होता है। बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट की आप बात करेंगे तो हर डिपार्टमेंट, बैटिंग हो उसमें हम पीछे थे, फील्डिंग में हम बहुत ज्यादा पीछे थे, बॉलिंग भी जिस तरह से टूर्नामेंट जिता देंगे ये हो जाएगा, मतलब लीग मैचेस की कौन बात करता है इन दी एंड, फिर वही बात है ये गिरते पड़ते पहुंचे जैसे तैसे, क्या बहुत बातें हुई कि जैसे तैसे मैच निकाल लिया, पॉइंट से बच गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब यार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनके हाथ में है, और मतलब फैंस का सब, ये बहुत जरूरी था ये वर्ल्ड कप, मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी मिस्ड वाली बात है, इससे बड़ी स्टेज शायद नहीं हो सकती थी। घर पर वर्ल्ड कप, इतना हम कहते थे कि भाई कि घर पर वर्ल्ड कप है, पहले तो इतना नहीं थी उम्मीद, बट जो क्रिकेट टीम इंडिया ने पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप खेल के दिखाई थी वो ये था कि आज भी आपको, पर अगेन आप क्या कहोगे कि आज क्या टैक्टिकली ऑस्ट्रेलिया ने मारा है, ठीक है स्किल वाइज ग्राउंड पर दिखा, बट आई डोंट थिंक पैट कमिंस के डिसीजन से कोई बहुत ज्यादा लोग अग्री कर रहे थे, जितने भी लोग, मतलब हम तो चलो आम इंसान है ना, क्रिकेट एक्सपर्ट से लेकर कैप्टन फॉर्म में होता, आप रोहित शर्मा को ही देख लो ना, वो भी बैटिंग, रोहित शर्मा ने कहा कि मैं बैटिंग करना चाहता हूँ, तो साफ वहां पे दिख गया कि भाई पैट कमिंस जीते हैं तो उनके साथ जाते हैं चीजें, उन्होंने एक ही बात बोलना चाहता हूँ, पैट कमिंस ने टॉस जीता, टॉस जीत के बोला भैया आप बैटिंग करो, एक वो साउथ अफ्रीका वाला गेम तो सेमीफाइनल खेला उन्होंने, क्योंकि उनको पता साउथ अफ्रीका की ताकत है बैटिंग फर्स्ट ओवर कास्ट, उस दिन भी वही करना चाहते, उस दिन भी वो चाहते, लेकिन आज उन्होंने बोला कि नहीं यार, और जबकि ये चल रहा था कि जो आएगी या नहीं आएगी ये वो ब्लड ब्लफ, और अंडर द लाइट्स इंडिया की बॉलिंग खेलना, मैं वो तो छोड़ दो कि क्या होगा, वो तो ऐसा ही था ना, मैं 240 पर भी हम श्योर क्यों थे, मैं बोला वो तो दूर की बात है यार, मैं बोल रहा हूँ एक होता ना जो आज हम बात करते हैं कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, मैं मानता हूँ कि आप पैट कमिंस में वो वाइट बॉल कैप्टन मुझे नहीं दिखता, बट आज जो दिखा है ना, एक बार दीपक आप कंटिन्यू करो फिर आप 15 मिनट, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, आप 15 आज उसने जो किया करके दिखाया, मतलब उसने आज आया जो बॉल डाला, उसने जो शॉर्ट बॉल वाला प्लॉय लेके आया, उसके बाद उसने जो बोलिंग रोटेशन की, देखो कहीं ना उसने इंडिया उस दिन चक्रव्यूह में फंसाया, ये क्या कहा था मैं एक बात बताता हूं, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यार विराट का अगर हमने वो कैच ले लिया होता तो मैच, आज से विराट का विकेट ले गया, और आज उन्होंने ये बता दिया कि वो जो देखो यही होता है बाद में जो आपके होते हैं ना कि प्रेस से आपने क्या कहा था कि आप सही साबित होते हो गलत, आज उन्होंने फिर ये इस चीज पर मुहर लगा दी जो पूरा इंडिया मानता है कि अगर उस दिन विराट कोहली की कैच हो जाती तो इंडिया वो मैच भी नहीं जीतता। एक बात मैं आज और मतलब ये कह रहा हूं कि जो सेल्फिश वाला जो विराट कोहली के कई बार कह देते हैं, आज वो खड़ा हो जाता ना, मतलब खैर वो भाई वो खड़े थे तभी जाकर
जाकर आप इतना भी पहुंचे थे, ठीक है। अब लोग मैच को वापस एक नजर से देखेंगे तो बोलेंगे कि जी केएल राहुल भी स्लो थे, ये भी थे। भाई ये ऑस्ट्रेलिया का डिसिप्लिन था उनके पास थोड़ी बॉल डालने के लिए, ये देखो हम भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं बट बॉल डालने के लिए इंडिया से बेहतर कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया के पास थी। के मिस्टर बता दिया उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ खेलने वाला डीएनए नहीं है, क्रिकेट वाला डीएनए नहीं है, कैप्टनसी का भी यार ऑस्ट्रेलिया की वही टीम है। मैं तो मान रहा था, मुझे लग रहा था नहीं है उसके अंदर वो चीज। दीपक भाई ये ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसको एक स्टेज पर दो में से दो हार के सबसे नीचे खड़ी थी, इनका मिडिल ऑर्डर नहीं चला, आज भी खत्म हो गया वर्ल्ड कप बट आप एक हो गए, इनका मिडिल ऑर्डर उस तरीके से नहीं चला है। ये चार बॉलर्स के साथ खेलते थे, एक ही स्पिनर लेकर आए थे, दूसरा मैक्सवेल था जो उन्होंने बहुत अच्छा डाला हो गया। आधे टूर्नामेंट तक इन्होंने रिस्क लिया कि ट्रेविस हेड को कोई बात नहीं रख लेते हैं, तो ट्रेविस हेड ने भी ये बता दिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी बता दिया कि हमारी सोच कितनी आगे तक है। जो ट्रेविस हेड ने वो जो दो नॉक्स खेली हैं सेमीफाइनल और फाइनल, शायद उनके वो रन सेमीफाइनल में भी नहीं होते, वहां भी ये हार जाते, और आज तो उन्होंने बहुत बड़ा फर्क पैदा किया है यार। उनकी प्रेजेंस ने तो मतलब उनको कुछ भी आपने कर रहा, उनमें हर एक चीज का जवाब था उनके पास, जो बैटिंग करके आज दी उन्होंने। नहीं वही मैं बात कर रहा हूँ कि यार देखो हीरो होता है हर पिक्चर में ना, बात करते हो कि यार हीरो कौन है और हीरो कौन है और हीरो है कहाँ पे। यार इस मूवी में ऑस्ट्रेलिया के पहले आए दो मैच हारे हो, ठीक है, उसके बाद हमें ट्रेविस हेड की बात भी इतनी नहीं चल रही थी, क्योंकि सबको ये लगता था कि यार उन्होंने ट्रेविस हेड को लेकर गलती कर दी, या तो रिलीज कर दे कि स्पिनर डाल लेते ऊपर। उसके बाद यार ट्रेविस हेड चलते हैं, उतना आते ही पहले मैच में उनकी एक सेंचुरी जो वर्ल्ड कप में, यार ये बंदा ना मतलब कुछ लिखवा के लाया ऊपर, और ये WTC फाइनल हमारे हाथ से ले गया, मतलब आपको एक नाम याद रहता है हमेशा। 2019 वर्ल्ड कप आप देखोगे तो आप वहां से ना ट्रेंट बोल्ट का खौफ बन गया था, भले ही ट्रेंट बोल्ट ने एक विकेट लिए थे दो विकेट लिए थे, और जैसा अभी आप भी बात करें यार, और मैं देख भी रहा हूँ ना लोग कह रहे हैं कि रन यार, इनका जो कैच था रोहित शर्मा वाला भाई, मतलब वो कैच सबसे बड़ा मोमेंट था आई थिंक, उससे पहले तालियां ही बज रही थी हर जगह, हर कोई ताली बजा रहा था, ये वो अटरम सटरम फलान निमकान, लेकिन उसके बाद जो कैच गया और उसके बाद से मुझे लगता है इंडियन फैंस चुप ही रहे हैं पूरे मैच में, बहुत कम मौके आए। ट्रेविस हेड ने जबरदस्त नॉक खेली है वर्ल्ड कप जैसी स्टेज में, चेज करते हुए दूसरा शतक आया है जो एक श्रीलंका की तरफ से आया था, उसके बाद बहुत बड़ी नॉक है, सब कुछ उनकी बैटिंग आउटस्टैंडिंग, दुनिया के आज की तारीख के बेस्ट बोलिंग अटैक को उन्होंने, तब वो गए जब तक वो मैच खत्म होकर सब कुछ हो गया था, बस ये इंतजार था कि विनिंग हिट मारते नहीं मारते, पर जो उन्होंने कैच लिया है आज वो इस वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा मोमेंट, अब शायद आप उसको वापस जाकर देखेंगे कुछ भी देखेंगे, बहुत बड़ा मोमेंट था। कुछ चीजें थी, अब मैच के बाद क्या होता, जैसे कि इंडिया का लगातार चल रहा था, जिस दिन से हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे इंडिया एक तरीके से गया था, एक तरीके से जाता था कि स्टार्ट बुमराह करते थे, सिराज करते थे, आज इंडिया ने ना मतलब पता नहीं यार एक मतलब अब इसको मैं जडेजा ऊपर आए सूर्यकुमार यादव उसको मैं इतना ज्यादा बहुत बड़ा वो नहीं हां कि ऐसा नहीं कि उस वजह से हो गया, बट इंडिया ने ना एक अलग सी दिखाया कि पैनिक कर रहे हो आप। 2019 में भी हमारे दो तीन विकेट गिर गए थे, फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक आए थे, तो कई बार ना आप थोड़ा सा चले जाते हो अलग, थोड़ा सा ऐसे ऐसे चले जाते हो, ठीक है वो किसी दिन कॉल आपका अच्छा भी जाएगा बुरा भी जा सकता है, बट इंडिया एक पैटर्न से गया था आई थिंक ना। ठीक है जडेजा को आपने ऊपर भेज दिया, ठीक है वो लग रहा था कि शायद स्लगेस विकेट है, जडेजा उस वक्त अच्छा खेल जाएंगे, बट बोलिंग में भी आज आपने शमी भाई को दे दिया, नो डाउट यार अहमदाबाद में शमी भाई आईपीएल खेलते हो, नया बॉल बहुत अच्छा डालते हैं, बट आज शमी भाई का आज शमी भाई ने वही गलती करी जो लास्ट मैच में बुमराह की बात कर रहे थे, ओवरडू नहीं करना था, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की पिटाई हुई, ऑस्ट्रेलिया जब वापस आया हमने मिड इनिंग्स में यही बात करी थी, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स विकेट के लिए नहीं जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कंटेनिंग पर थे कि ये इंडिया से यहां पर डालना है, मद्दीपा बैठे थे, मद्दीपा मतलब 1983 में लॉर्ड्स की घास वाली विकेट में उन्होंने बॉल वर्ल्ड चैंपियन है यार, मद्दीपा ने बोला आज मतलब एक चीज बोला उस टाइम यार ये ओवरड्यू कर रहे थे, ऐसी बॉल करेंगे तो फिर नहीं होगा, उन्होंने बोला कि बहुत विकेट में मदद ऑलरेडी मिल रही है, इसी चक्कर में अगर आप देखो तो वार्नर का विकेट लेने के बाद से वाइड का वो चौका आया, दो तीन गेंदे उन्होंने मतलब लेग स्टंप के बाहर, मतलब शुरुआती 7-8 ओवर में रन भी ज्यादा हो गए थे, जो जिस तरीके का मैच है जो जिसमें आप नहीं चाहते हो कि स्कोरिंग रेट वहां पर जाए, अगर रन चेस करते हुए तीन विकेट आपको मिल गए हैं तो आप ये नहीं चाहोगे कि 10 ओवर में टीम सामने 70 रन के आसपास तो उन्होंने बना ही दिए थे, 65 रन के आसपास आपको मतलब देखो एक आइडिया था, ये हर कोई शायद आधी दुनिया मतलब इंडिया का वेट कर रहा था जो जानता है क्रिकेट बेहतर तरीके से, यार ड्यू का देख रहा कब आएगा कब कमेंटेटर बोलते डिकी बॉडी ने बोला था, आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ड्यू का इंतजार किया, ड्यू ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया है, बट देन ऑस्ट्रेलिया यार आज आपको सेटल करने ड्यू आने के बाद विकेट आपका सीधा हो रहा था, विकेट वो लिया आपके बाद ट्रेविस हेड ने वो नहीं देखा कि कौन सा बॉलर है भाई, हम 200 चेज कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया तब नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में अगला मैच साउथ अफ्रीका से कैसे खेलना है, हम 2-3 पर ही 3 आउट हो गए थे, आज जब ये 47 पर 3 हुए नोइंग कि पूरे टूर्नामेंट क्या बॉल डाला है इंडिया ने, हम ये कॉन्फिडेंट ही थे कि ये मैच आएगा, ये मैच जीतोगे,
आपको इस चीज का क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा यार ऑस्ट्रेलिया को कि आज जो उन्होंने खेला है एक वर्ल्ड कप फाइनल में इतना क्लिनिकल, मतलब जिस जो हालत उनकी हो गई थी उसके बाद उन्होंने जब दो रन रह गए तब विकेट खोई है वो, तो इन बिटवीन आपके ने तो बीच में जो आपके पास पांच बेस्ट बॉलर खेलते हैं उनसे हर एक तरीके से बॉल करवा लिया ना, किसी को जो एंड देना होगा जो आपको चेंज करना होगा, बट आई थिंक बीच में आपको थोड़ा बहुत जो फेज की हम बात करें कि जडेजा एकदम से वहां पर हुए, क्योंकि ट्रेविस हेड थोड़ा सा अगर किसी के दिक्कत में लगे थे तो लगा था कि जडेजा के अगेंस्ट, वही ना जब जडेजा ने एक आपको याद होगा परेशान किया जो हम करते लाइन स्टंप से थोड़ा छूट कर जा, उसके बाद से जडेजा 8-9 ओवर एक इवन आपको याद आएगा जो एज भी लगा था बॉल, पहला बॉल बहुत टर्न हुआ था स्लिप से चौका निकला था। तो ये चीज है ना मनोज भाई की, उसके बाद यार पता है मैं रिकी पॉन्टिंग का कहीं पढ़ रहा है, रिकी पॉन्टिंग ने ये कहा कि, और रिकी पॉन्टिंग खुद यार वर्ल्ड कप जीते, देखो वो आदमी कहता है जिसने खुद अचीव किया, उसने कहा कि इस पॉइंट पे भी ना दोनों टीम मेरे लिए बराबर है, जो यहां से पैनिक करे हाँ, वो जब शायद 70-76 पे तीन हाँ, तो पैनिक कैसे कराया जाता है, पैनिक ऐसा नहीं कि आपने 100 रन के पैनिक 20 रन में भी कराया जाता है, और लबुशेन वैसे क्या बैटिंग कर रहे थे उस टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि उनका रोल हम, लबुशेन ने बस ये बना लिया था कि भाई मुझे एक एंड से अब खड़े रहना इनके साथ, वो ऐसा नहीं था ना उन्होंने बाउंड्री, एक बस मुझे याद है एक स्टेज जब उनका कुलदीप पे एज का एक चौका आया था, एज का चौका आया उसके बाद उन्होंने अगली बॉल को इनसाइड आउट ड्राइव मारना चाहा, उसके अलावा मुझे उनकी पूरी इनिंग्स खत्म हो गई, कभी भी इंटेंट वाइज ऐसा नहीं दिखा कि मुझे चौका ढूंढना है, काम ये था सिंगल। आज लबुशेन ने वही काम किया जो उस दिन पैट कमिंस ने किया था जब मैक्सवेल सामने बैटिंग कर रहे थे, उनको पता था कि सामने वाला बल्लेबाज अकेले दम पे ये मैच निकाल के दे देगा, लबुशेन ने वही किया कि भाई आप लो स्ट्राइक लो स्ट्राइक लो स्ट्राइक लो, ट्रेविस हेड मारते रहे अपना यार छह बार की चैंपियनशिप। मुझे एक बात बताओ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो लोग अभी सो रहे हैं, आप सब लोग एक एक करके बताओ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, 2014 का वर्ल्ड कप फाइनल, 16 का सेमीफाइनल पूरा कंप्लीट बनो, एक यूवी का नॉक चलो छोटा सा, फिर धोनी का जो भी हो बाद में, फिर वन साइडेड वो भी निकल गया, 2014 से कंटिन्यू चल रहा है नॉकआउट, 14 15 16 17 19, फिर अभी दो चैंपियंस 22 WTC दो हो गए, फिर एक हमारा पिछला इंग्लैंड वाला T20 वर्ल्ड कप 8 हो गए तकरीबन, जिसमें हमने नॉकआउट्स की बात कर रहे हैं, क्या होता है इंडिया को बड़े दिन पर, मुझे कोई ये बता दे, ये इंडियन टीम को आप कितना भी अच्छा कर लो कितना भी अच्छा ये कर रही हो धीरज भाई, बड़े दिन पर क्या होता है, एक चीज मैं कहूंगा, हम आज अगर सेमीफाइनल होता है तो हम बोलते कि पिछला भी तो सेमीफाइनल जीता ना, पिछला जीता ठीक है, वो पैनिक फैला, वो पैनिक मुझे, मैं बार बार कहता हूँ पैनिक टीम इंडिया ने फैलवाया, कि जो वहां पर फील्ड में जो भी चीजें हुई, जो सेमीफाइनल खेल के आए थे हम कॉन्फिडेंट ज्यादा थे, हम ऐसा नहीं था कि कोई हवाबाजी में कह दे रहे थे कि इंडिया बेटर है प्लेज ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, मैंने कहा सब था भाई इनको दो बार आउट कर देंगे यार, देखिए अब वो तो चलो कभी कभी हो जाती हैं चीजें गलत, आपने भी नहीं कहा था जो क्रिकेट चल रही थी उस हिसाब से तो सही था, और जो हमने देखो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई चीज नहीं है, आज भी आप बोलो कि इस फाइनल से पहले आप क्या कहते तो आप यही कहते कि भाई फेवरेट्स इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया बढ़िया टीम सब कुछ है बट फेवरेट्स इंडिया ही है जो क्रिकेट उन्होंने खेली है, बट अब ये है ना कि आज हम ये नहीं कह सकते कि क्या वो एक नॉकआउट की सिचुएशन, आज जो मर्जी हुआ यार, आज आपको मतलब जो इंसान भी क्रिकेट देखता है क्रिकेट समझता है उसको ये भी देना होगा कि पैट कमिंस ने कितना बड़ा गैम्बल लिया था या रिस्क लिया था जब उन्होंने बोला कि मेरी समझ क्या है विकेट को लेकर, कितने लोग उस टाइम कह रहे होंगे जो क्रिकेट देखते 5% शायद होंगे अगर होंगे भी कि भैया बैटिंग कर लो पहले, लोग यही कह रहे थे ना कि अच्छा हुआ इंडिया के लिए, मेरे को क्या लगता है हमने इवन इंडिया की बात कर रहा हूं, हम लोगों ने इंडिया को नॉकआउट्स मारते देखा तो हमने कई चीजें बनाई, हमने बहुत चीजें बनाई, पहले बात तो हमने दोष ठहराया आईपीएल को, ठीक है फिर उसके बाद दोष ठहरा रहा है कि यार इन खिलाड़ियों में दम नहीं है, खिलाड़ी बदलो, हमने खिलाड़ी भी बदल लिए, उसके बाद हमने कहा कि यार हम शायद बाहर की कंडीशन में फंस जाते हैं, हम घर की कंडीशन में खेलेंगे, केटल बोरो को भी डाल दो चलो मैं घर की कंडीशन में, फिर कई पूर्व दिग्गज भी आए, दिग्गज केटल बोरो का भी फैक्टर डाल दो, जिंदा रहेगा क्योंकि आज भी मैं कह रहा हूँ आज भी वो रहेगा, ठीक है कई क्रिकेटरों ने कहा कि यार आपने कई होता था ना हमसे सलाह क्यों नहीं ली थी, हाँ, भाई पहले आकर आए हाँ, हमसे सलाह ले लेते तो ये चीज सही हो जाती वो सही होता, पर यार डीप डाउन आप जानते हो अंदर दिल से या आपके दिल में भी पता है कि ऐसा कोई इंडियन टीम खराब नहीं खेलती, ऐसी कोई ना प्लेयर बुरे नहीं है ना, ये प्लेयर बुरे बुरी है, बस एक वो चीज जो शायद हम किसी को दिख नहीं रही है कि वो एक कमी है और शायद हम उस कमी को देख नहीं पा रहे हैं, सारे प्लेयर हमारे अच्छे हैं, यही प्लेयर आपको लगातार 10 मैच जिताकर आए थे एक मैच में रह गए, पर वो कमी क्या है यार जो ऑस्ट्रेलिया निकाल देता है, वो कमी मतलब इंग्लैंड एक वर्ल्ड कप जीत गया, वेस्ट इंडीज यार अपने सबसे खराब टाइम पर आकर दो वर्ल्ड कप जीत कर चली जाती है, मुझे लगता है ना कि हम लोग ना विश्वास शायद ना खो चुके अपने ऊपर ही खो चुके हैं कई बार, और यार हम ये करते करते ऑस्ट्रेलिया की टीम की उनके थिंक टैंक की उनके जो भी कह लो आप, काफी बार ये होता है कि आपके जो फैसले होते हैं वो उस चीज को ज्यादा ग्लोरीफाई करवाते हैं चीजों को, ट्रेविस हेड को रखना नोइंग कि ये आधा वर्ल्ड कप खेल ही नहीं सकता है,
आधा वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा और जब खेलने आएगा बिना प्रैक्टिस के खेलेगा। स्पिनर एक है, स्पिनर जैम्पा, ठीक है, तन्वीर सांगा रिजर्व में घूम रहे हैं। स्पिनर एक क्यों रखा है? क्योंकि हमको नहीं चाहिए एश्न एगार, हम लबुशेन को डाल लेंगे जब तक ट्रेविस हेड नहीं आता। लबुशेन थे स्टेपनी, बट लबुशेन ने आज क्या कर दिया? लबुशेन के लिए जो इनकी द टेस्ट डॉक्यूमेंट्री है उसमें डेविड ऑर्नर बोलते हैं शायद या कौन, यार इससे लकी बंदा नहीं देखा मैंने कि जो इसकी किस्मत चलती है इसके कैच छूट जाते हैं, रिव्यू पे बच जाता है। आज रिव्यू पर भी बचे, उस दिन उनको याद आएगा साउथ अफ्रीका वाला मैच जहां पर कंकशन सब आए थे। उन्होंने कहा कि मैं तो खेल नहीं रहा था, मेरी मम्मी मेरे पीछे लगी हुई थी कि तुम खेलोगे। वो खेले, 100 मारे और उसके बाद टीम में आ गए, 15 में आ गए। और आज ट्रेविस हेड ने अनबिलीवेबल नॉक खेलिया, बट बिना लबुशेन के पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक ही बंदा था जो रोल कर सकता था, स्मिथ क्योंकि आउट हो चुके थे, वो लबुशेन था। लबुशेन वाला फैक्टर वहां देख लो, ठीक है, चार बॉलर्स के साथ ही ये खेलते थे। आज ये पांचों ने जो मिलाकर डाली बॉलिंग इतनी बुरी नहीं डाली, हमारे तो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स ने डाले, उनके थोड़ा सा ट्रेविस हेड ने डाल दिया, मिच मार्श ने डाल दिया, मैक्सवेल ने खुद 8-10 इतने ओवर डाले। एक स्टेज ऐसी भी थी कि ये एक मैच हारेंगे बाहर हो सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की भी क्या तारीफ करें, यानी कि बड़े दिन में इस टीम को क्या एक ऐसी चीज है कि आज मतलब ये हमेशा नए हीरोज ही डिस्कवर करती है। आज लबुशेन को भी आप बात करोगे कि यार कि उसने क्या नॉक खेली है। सबसे बड़ी बात है ये लबुशेन 18 में नहीं था, ये वर्ल्ड कप में आता है। मतलब इसमें एक जरूर चीज थी, आज मुझे अच्छे से याद है, लबुशेन को देखे काफी पढ़ता रहता हूँ। इसने जब इसका बिग बैश में इनका होना था तो बोले यार मैं खेलना चाहता हूँ, मैं T20 भी खेलना चाहता हूँ, मैं ODI भी खेलना चाहता हूँ। इस खिलाड़ी में ना एक जुझारूपन दिखता है, नो डाउट टेस्ट में भी इनका इन ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया से बाहर उतना अच्छा नहीं है, बट इसमें ना एटलीस्ट एक वो कीड़ा है जो हम बात करते हैं ना, वो एक तो है ये अजीब सा, कहीं भी खड़े होकर बीच में कैच ले रहा होगा, क्रिकेट 24 फील्डिंग यार फील्डिंग वही बोलो ना 24 घंटे क्रिकेट इसके दिमाग में चलता है। आया पिछला गेम भी जो हुआ था सेमीफाइनल, उसमें स्टार्टिंग के पावर पे क्या आप केवल 10 ओवर निकालोगे, उसमें फील्डिंग देखो, वार्नर तो दिख रहा था लेकिन लबुशेन का, और लबुशेन ना जान लगा देता है यार। और मतलब देखो पिछले मैच में तो खैर आउट हो गए थे वो, लेकिन आज फाइनल में उसको पता है बड़ा नॉक है। और यार टू बी ऑनेस्ट मजाक नहीं होता कि 1,30,000 लोग आपके पास है, आज तो चलो 1,00,000 ही आए, 90,000 की 50 की सेलिब्रेशन देख लो, इवन उनकी 100 की सेलिब्रेशन भी, 100 की सेलिब्रेशन पर तो रनआउट भी हो सकते थे उस टाइम, उनको पता नहीं ग्लव मांगा पहले उन्होंने कुछ, वो बस एक्नॉलेजमेंट थी और ये था कि जॉब इज नॉट डन येट। सेम मानस लबुशेन भी किसी भी मोमेंट पर उनकी पार्टनरशिप लगी, 50 हुआ, 100 हुआ, 150 हुआ, तो उनको पता था कि भाई आज हमारे पास जो एक बड़ी तस्वीर है ना उस पर काम कर रहे हैं हम, ये सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई नहीं याद रखेगा हमारी चीजें। कमिंस ने ना स्टोनिस को खिलाया, कमिंस खिलाया, ग्रीन को खिलाया। अगर दुनिया मेरे से बैठ के बोल दे कि वर्ल्ड कप में ग्रीन पहले खेलेगा, स्टोनिस खेलेगा, स्टोनिस सबसे पहले फिर आपकी लास्ट चॉइस होती है लबुशेन को। और आज लबुशेन पता है, मतलब एक चीज और मैं देखना चाहूंगा यार, हमने पिच बहुत बात की इस वर्ल्ड कप में, ठीक है यार, इस विकेट पर हम इंडिया कोई ऐसा तो था नहीं, इंडिया ने बनवाई ये विकेट नहीं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्यों जरूरत है आपको, हमें बात बताओ, हम कोई ऐसा प्लेयर थे हमारे बैट्समैन ने यार इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए किसने, इवन सभी वर्ल्ड कप में विराट है, रोहित ने कंटेंट दिखाई है, राहुल, शुभमन गिल, पर हमें तो स्पोर्टिंग विकेट पर खेलना ही नहीं है, हमें तो वो विकेट चाहिए नहीं जिसपे 300 रन 350 रन। ये डिस्कशन लगातार होता रहता था, हम कहते भी थे इवन पिछले मैच में जब आई कि स्लोविश विकेट होगी, आपको ऐसे सर्फेसिस देने की यार जरूरत ही नहीं है। आज फर्क ये पड़ गया ना, देखो उन्होंने ये समझा कि दिन के टाइम पर इनके स्पिनर्स निगेट नहीं हो सकते, जिस तरीके का ड्राई सरफेस है, धूप पड़ेगी, दिन में अगर वो बॉल डालेंगे तो उनके स्पिनर्स बेहतर कर जाएंगे, उन्हें बोला इनको अभी वो करा दो, हम बॉल करते रात में बॉल करवाते, मे बी अगर उन्होंने चांस भी लिया कि यार ड्यू आए ना आए, बट रात को शायद वो निगेट हो जाएंगे, बट दिन में उनके प्ले में आ गए। और उनको इवन यार जिस विकेट पर आप देखो कि मीडियम पेसर पैट कमिंस ने जो दिमाग लगाया इनटू द सरफेस बॉल डाली है, मिचेल मार्श ऐसे विकेट कभी कभी जब शारजा में होता है देखते हैं कि मीडियम पेसर कितने सक्सेसफुल रहते हैं, तो उनकी वो स्ट्रेटेजी काम कर गई। और आपकी जो एक तरीके से रणनीति रही थी कि हम इस तरीके से जो है फाइनल अपने नाम करेंगे, वो आज आप देख रहे हो कि ऑपोजिट टीम वर्ल्ड कप उठाकर। एक बात बताओ इंडियन, बस खुशी एक मिनट, इंडियन क्रिकेट फैन में ना थक गया है अब, पर अब इसके बाद आप सोचोगे कि यार अच्छा क्रिकेट देखे क्या देखोगे, T20 सीरीज आप सोचोगे यार अच्छा क्रिकेट मिलेगा हमें, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच होंगे तो घर में एक अच्छा टेस्ट, फिर यार वही विकेट्स हमें 3-3 दिन वाले ना देखने को मिल जाए, फिर यार इंडियन क्रिकेट फैन क्यों ना थके ऐसे मैचेस देख देख के यार। दीपक जो हमारी टीम में ताकत है जा भाई, क्रिकेट फैन क्यों ना थके, अभी तक 2003 की यादें थी भाई वर्ल्ड कप की, अगर 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करें तो 2003 की वो याद है कि भाई पॉन्टिंग ने मारा, मार्टिन ने मारा, गिलक्रिस्ट ने मारा, सबने मारा, वो बोला नहीं था कि अब ये ट्रेविस हेड आ गए जो एक एक साल में ही 2 बार दर्द दे के चले गए, आपको WTC के फाइनल में भी मार दिया, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी मार दिया, विकेट टेकर इंडिया का, हाईएस्ट रन गेटर इंडिया, बात वो नहीं है खुशी, बात वो नहीं है, जिस तरीके से हम खेल रहे थे हम डिजर्व करते थे, मतलब
मतलब कुछ था ना, आप देखिए बड़े बड़े खिलाड़ी फाइनल बैटल पे आके सब कुछ था। उधर रेसिपी जो बनानी होती ना, फॉर एग्जांपल कुछ बनाना, उसके पास आपके पास मसाला भी था, नमक भी था, जो सब कुछ था सब कुछ इंडिया के पास था। बट बड़े दिन यार, चलो एक वो वाला उस दिन हमने एक किया था, वो भी बड़ा ही दिन था, सेमीफाइनल जगह न्यूजीलैंड यार ऑस्ट्रेलिया, बट वही ना हम दो हजार की ऑस्ट्रेलिया थे। आप लेकिन यार आप या तो सेमीफाइनल फिर फाइनल में आके चौक कर जाओ तो फिर बात क्या है। और मतलब उस दिन मुझे याद है जय ने उस दिन कहा था साउथ अफ्रीका वाले में, जब उन्होंने शमसी और वो कर रहे थे तो आपने बोला चौक, आप क्या बोलोगे आज? तो ये कर रहे हैं पिछले 10 सालों में, तो आप चौक ही बोलोगे ना इनको अगर हर सेमीफाइनल या फाइनल जाके हार रहे हैं। इतने मतलब सब कुछ बन के तैयार हो गया, नमक ही नहीं डला जी। 44-47 जो था वहां पर से तीन आप शायद किसी भी टीम को वर्ल्ड कप फाइनल में दो, वो टीम लेना ही चाहिए गिवन आपके पास रन्स कितने थे बोर्ड पर। आपको शुरुआती 10 ओवर में विकेटें चाहिए थी, देन आपके स्पिनर्स ने आना था, आपके पास तीनों आपके फास्ट बॉलर्स पड़े हैं, तो आप अगर उस सिचुएशन से भी कुछ नहीं कर पाए, मतलब चांस के नाम पर एक लबुशेन वाला रिव्यू वाला याद आता है, एक आधी आउटसाइड एज वेज हो गया और उतना तो हो गई, बट ऐसा नहीं लगा कि दबाव बन रहा है ऑस्ट्रेलिया पर इन टर्म्स ऑफ कि भाई आउट नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि आउट हो जाएंगे। कभी भी आपने क्या ऐसा फेज निकाला जहां 15-20 गेंदे हुई हो, चार रन पांच रन आराम से आ रहे हैं, वहां पे 10 रन ना बने हो या फिर बाउंड्री ने, हम 10-10 ओवर में एक-एक बाउंड्री लगा रहे थे, वो हर तीसरे चौथे ओवर में एक ओवर में दो बाउंड्री आ रही है। दिखा दी इस ऑस्ट्रेलिया ने कि आपको ना 300 रन से मैच जीतो, 150 रन से मैच जीतो, कोई मतलब नहीं पड़ता, मैच जीतो एक रन से या एक विकेट से मैटर करता है। आप यार ऑस्ट्रेलिया की कैसी जर्नी रही है, किसी मैच में वो जीत जाते हैं आखिर में आकर, एक ऐसा मैच 91 पे 6 विकेट होकर वहां पे ग्लेन मैक्सवेल जिता देते, एक ऐसा 7 विकेट होकर, एक ऐसा मैच जिसमें भाई आप साउथ अफ्रीका से एक समय पर 4 विकेट ले लेते हो, फिर उनका मिलर सॉल्व कर देते हैं, फिर आप हारते हारते जीत जाते हो। तो यार अब तो ये चीज समझ में आई है ना कि टूर्नामेंट ऐसे ही जीते जाते हैं जिसमें आपको उतार चढ़ाव मिले, हर पूरे टूर्नामेंट में आप हिलते रहो और पता चला आखिरी रेस के टाइम पे आपने झटके से निकल दिया, बॉर्डर क्रॉस कर दिया। इंग्लैंड को भी 83 पर आउट करा, ऐसा नहीं है टीम्स को मतलब वही ना लग रहा था कि यार ऑल आउट कर देंगे, 165 पर ऑल आउट। आज मैक्सवेल तक नहीं आया और ये भी देखो जैसा बड़ा खिलाड़ी पूरी टूर्नामेंट नहीं चला, आज भी कुछ नहीं करा। अगर आप यही कहते हो कि भाई बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, आज बड़ा मैच है, आज चल जाएंगे, ये होगा, वो कुछ नहीं चले आज, वो इतने घबराए हुए थे कि वो गलत, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि मैं लाइन में हूँ, लाइन से बाहर हूँ, कहाँ चल रहा मैच, प्रेशर इतना था उस टाइम। कोई बड़ा आदमी और कोई बड़ा ना प्लेयर नहीं होता, ये तो देखो गेम बताता है और ये जिंदगी भी बताती है। ये देखो ये बड़े बड़े आदमी रह जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर भी रह जाते हैं, ये है प्रेशर की सिचुएशन, कर पाते जो सबसे जिनको आप बड़ा खिलाड़ी गिनते हो ना उनको देखते हो आप प्रेशर हैंडल कैसे करता है। उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया का पैनिक मोड इतना बड़ा था कि स्टीव स्मिथ जो कप्तान कर चुका है, नंबर वन बल्लेबाज है टेस्ट का, वो जज नहीं कर पाए ये बॉल में लाइन में खाया हूं या बाहर खाया हूं, मूव होने के बावजूद वो चल पड़े वहां से। तो उस टाइम इतना दबाव था और उस दबाव के बाद जो हमने इतना ब्रीदर के बाद वो आराम से खेलते गए। आज यार देखो नो डाउट कुछ भी कहो, 5 बॉलिंग ऑप्शन वाला थे कि यार इंडिया के पास यही था, यही 5 बॉलिंग ऑप्शन से हमने झंडे भी गाड़े, आग भी लगाई, बट यार देखो आज कहीं ना कहीं वो रह गया, आपके पास बॉलिंग रोटेशन के इतना कुछ रह ही नहीं जाता और डू भी आ गया तो क्या यार। और इसमें पता है दिनेश भाई, हमें ना जब कहते हैं लोग प्लेयर को, दिल से बता रहा हूँ, पिछले वर्ल्ड कप्स में बहुत आया है कि यार किसी प्लेयर को बोलू ये कर रहा था, आज दिल से ना अपने खिलाड़ियों को गुस्सा नहीं आ रहा, प्यार आ रहा है, उल्टा अपने खिलाड़ियों के लिए ऐसा लग रहा है हमारे परिवार के एक सदस्य और है भी। और आपके लिए ना कई बार क्या होता है, डायलॉग भी है तारक मेहता जिसमें उनके बाबूजी कहते हैं कि यार कभी कभी ना जब आपके हाथ में नहीं होता ना तो ऊपर वाले पे छोड़ दो। अब लिटरली यही लग रहा है कि हमारे नसीब में ही नहीं है वर्ल्ड कप, सच बता रहा हूँ, अब किसी खिलाड़ी पे नहीं आ रहा यार, हमारे खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है। पर्टिकुलर डे आप इस खिलाड़ी को किसी भी खिलाड़ी से दुनिया तोड़ लोगे ना, हमारे खिलाड़ी बहुत ऊपर है। अब बस अपने खिलाड़ियों के साथ एक हमदर्दी हो रही है कि यार आखिर ऐसा क्या रह जाता है, हमें ऐसी कौन सी कमी थी जो हम नहीं कर पाते हैं, बस ये लग रहा है, मतलब लिटरली फील हो रहा है। देखो बात इस सब में पता है क्या है, इस सब में एक चीज जरूर आती है कि हमारे प्लेयर्स बुरे नहीं है, जैसे मैंने कहा ना ऐसा है कि आज किसी एक इंडिविजुअल की वजह से हार गए जीत गए, जो कलेक्टिव टीम एफर्ट रहा सब कुछ है, बट देन जो स्पोर्ट में शायद जिन कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं ना, कभी कभी डिस्कशन होता है तो लोग कहते हैं यार कि अकेले थोड़ी कोई बंदा चैंपियनशिप जितवाता है, तो आप इस बेसिस पर प्लेयर को क्यों बेटर बता रहे हो। बट ये टीम गेम में भी ना इसीलिए ट्रॉफीज या कोई जो फाइनल होता है, आप चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का खेल लो, T20 वर्ल्ड कप का खेल लो या वर्ल्ड कप का खेल लो, वहां पर कौन सी टीम कैसे जीत कर आ रखी है वो आपको फाइनल के दिन एक बड़े दिन पर जो स्टेप अप करता है
आप उसकी बात करते ही हो। ट्रेविस हेड ने तो चलो पहले रन कर रखे हैं, लबुशेन भी इस तरीके के रन कर रहे थे, बट आज लबुशेन की इनिंग्स का वजन अलग है। शायद आज उनका स्ट्राइक रेट उन इनिंग्स के कंपैरिजन सबसे हल्का है, मेरे ख्याल से 50 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट होगा। बट आज आप बात करोगे कि भाई जब जरूरत थी एंश्योर किया कि नॉट आउट जाऊंगा आखिरी तक। ऑस्ट्रेलिया मेरा आई थिंक अब से आधे घंटे बाद वो जोकोविच का मेरे को पता है एटीपी फाइनल्स का फाइनल मैच जिसमें वो यैनिक सिनर के साथ खेल रहा हूं, मैं उसको जोकोविच को बहुत फॉलो करता हूं, मतलब उस खिलाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ दिखता है। जब मैं उसको इतना पसंद करता हूं तो जब भी नॉकआउट आते हैं वो दो सेट डाउन उसके बाद तीन सेट वो अंडर की तरह खड़ा होकर मैच लेके चला आता है फाइनल। तो वो जो किलर वाली चीज है ना, आज इन्होंने एक सबसे बड़ा फर्क बताओ, ऐसा नहीं कि कोई बल्लेबाजों का दोष है, ये वहां पर ऑस्ट्रेलिया की जीनियस है यार, उनकी फील्ड प्लेसमेंट, उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग। हमने मारे शायद 4 चौके 10 ओवरों के बाद, मेरे ख्याल से अगर मैं ठीक हूं हमने 4 ही चौके या 5 मारे होंगे। इन्होंने बाउंड्रीज ये स्कोर करते रहे, द मोमेंट 240 की रन चेज में अगर आपको बाउंड्रीज मिल रहे हैं, 4 ओवर शायद ऐसे होंगे जो अगर आप निकालोगे हर एक टाइम में आपने पहला पहला मारा आपके साथ, इसलिए नहीं उसका रीजन बताता हूं। हम जब बैटिंग कर रहे थे ठीक है, हमारा दुर्भाग्य नसीब था जो भी कह लो, वो विकेट था ड्राई, उन्होंने बहुत अच्छी स्लोअर डाली, बहुत अच्छी स्लोअर बाउंसर भी डाली, बहुत अच्छी कटर डाली, वेरिएशन डाली, जब वो कर रहे थे ड्यू आया विकेट सीधा हो गया था। आप देखो मारने में भी देखो उसी विकेट पर एक लबुशेन खेल रहा था, एक ट्रेविस हेड भी खेल रहा था, अगर मारना होता तो शायद देखो एक चीज होती, बट आप ये देखो किसी, मैं कह रहा हूं खेल भी यार इसमें कोई किसी की ग्रेटनेस नहीं है, कोई हल्का नहीं है, बट यही मैंने कहा कि पहले ऑस्ट्रेलिया की जीनियस आसान हुई एज अ बॉलिंग ग्रुप जो उन्होंने किया, जो एप्लीकेशन करी। बट ऐसा भी तो सोचो आपकी 40 ओवर का गेम निकल जाए जहां पर आपके चौके 4 आ रखे, 10 ओवरों के बाद आपने बाउंड्रीज ही मैच में बंद कर दिया, 4 स्कोर मिल नहीं था कि भाई आप 4 चौके से ऊपर नहीं मार सकते हो, जो एक एक चौका सबने ही स्कोर किया, शायद एक स्काई ने, एक केएल राहुल ने, एक शमी भाई ने और एक सिराज ने, ये 4 बाउंड्रीज है मेरे ख्याल से। मैं भी आपकी बात से यहाँ पे तो एग्री करूंगा। एक ना बड़ा कहते हैं बात कही जाती है, मुहावरा कह लो कि ना अब के जो जनरेशन आ रही है ना, आपको जो स्लो इनिंग्स की बात हो रही थी वो सब अब आज भी तो लागू होती होंगी, वही विकेट बेहतर हो गया बाद में, आज टीम ऑल आउट नहीं हुई सामने वाली। एक आज बात लागू होती है ना कि अब की जो जनरेशन है उनमें डर नहीं रहता, वो बदलते पुराने जनरेशन की तरह नहीं है। पर यार देखो आज जो हमारी इंडियन टीम खेलती है इसमें एक्सपीरियंस भी है और इसमें यंगस्टर्स ज्यादा दिखेंगे, आज की जनरेशन के प्लेयर नहीं हमारे पास, जनरेशन नहीं हमें बड़े टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए ना। दूसरी चीज क्या होता है यार, आप चौके की बात कर रहे हो, वो भी लगा मेरे को कि यार आपको एटलीस्ट वहां पर खुल के खेलना चाहिए। सूर्य कुमार यादव यार आप एक ही शॉट बार बार ट्राई कर रहे हो और वहां पर आपके पास मतलब कोई दूसरा वो नहीं है ऑप्शन कि कहीं से और बाउंड्री बनाओ, और ऑस्ट्रेलिया भी हमारी कमियां जानता था, शायद कोई दूसरी टीम हमारी कमियां नहीं निकाल पाई। और मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, ये नहीं वो नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, देखो होता है हार्ट ब्रेक, शायद एक हफ्ते दो हफ्ते बाद हम अभी हम भी ना फिर आप सपोर्ट करोगे इस टीम को, करना है दिल तो लगा हुआ है, ये क्रिकेट दिल लगा हुआ, और ये क्रिकेट ना हमारी जिंदगी हमारे खून के अंदर है। 4 साल क्रिकेट ही देखी थी 2007, फिर उसके बाद आए ना 11 जब इंडिया, सच बता रहा हूँ 11 जब इंडिया फाइनल पहुंचा तब मैंने बोला मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल मैंने नहीं देखी थी। तो मैं वही कह रहा हूँ दिनेश भाई कि हमारे ना एक पार्ट है, जैसे हम खाना खाते हैं आते हैं यार, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। दूसरा मैं श्रीलंका का एक एग्जांपल दूंगा, श्रीलंका हमने कितने फाइनल देखे, एक टाइम पे श्रीलंका हार जाता था भाई, 2009 का भी वो फाइनल हारा, फिर आई थिंक 7 में श्रीलंका से था, 11 में हारा, 12 में अपने घर में हारा, ऐसा नहीं है फिर श्रीलंका 14 में जाके जीत गया वर्ल्ड कप, हम जरूर जीतेंगे, ऐसा नहीं हमारी टीम के अंदर कोई बहुत बड़ी कमी है जो नहीं, हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा है और बाकी वही दीपक ना वही इंतजार, उन्होंने 6-7 सालों में जीत लिया ना, आपका इंतजार कितना हो गया और आप कितने फाइनल या सेमीफाइनल खेल चुके हैं भाई, कि हम कभी जीतेंगे नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीतेंगे, बट आप जिस डोमिनेंस के साथ खेल रहे हो, आपको कायदे से पिछले कितने गिने थे हमने, 14 फाइनल, वो मतलब ऐसा था कि इंडिया को जीतना, 14 फाइनल, 15 सेमीफाइनल, 16 में नहीं, 16 में थे चांस, 16 में हम जीत सकते, 17 में तो इससे बेटर चांस जो आज था ना, आज हम कह रहे हैं ये इससे बेटर चांस, 19 हमारा था, सीधी सी बात 19 हमारा था, 21 22 और दो डब्ल्यूटीसी फाइनल तो पहला डब्ल्यूटीसी, पहला डब्ल्यूटीसी ड्रॉ हो रहा था जय भाई आपके, नौ पहला डब्ल्यूटीसी वहां पर ये था कि, और आज ये एक बात बताऊं, पहला डब्ल्यूटीसी में क्या था कि ड्रॉ पर ट्रॉफी शेयर्ड होगी, ये डिस्कशन हुआ कि ड्रॉ पर क्यों शेयर होनी चाहिए, और वो मैच ऐसा था कि वो ड्रॉ तो मतलब इसमें ऐसा था कि कुछ हो जाए लबुशेन है और ट्रेविस हेड है, उस दिन रॉस टेलर और केन विलियमसन, उससे पहले उनकी बॉलिंग 10 या 11 हो गए ना जितने हमने गिन लिए ना, 10 या 11 में आपको 2-3 तो जीतने चाहिए थे। चलो
एक तो आना चाहिए था। मेरा एक चीज कहना है, दूसरी चीज कहना था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जीत, देखो आगे जीत लेंगे ऐसा कुछ नहीं कह सकते, और किसी ने देखा नहीं है आगे जीत लेंगे, ठीक है। 2003 का वर्ल्ड कप कौन जीतता तो आप बोलते हैं यार ऑस्ट्रेलिया। धीरज भाई गेम की बात नहीं कह रहा हूँ, ना मैं कोई वो हूँ कि मैं लिख के दे दूंगा या कोई बता दूंगा कि जीत जाएंगे, आप भी नहीं बता पाओगे, कोई नहीं बता पाएगा। मेरा ये कहना है कि जो लोग, मेरा मुद्दा दूसरा था, जो लोग कह रहे थे हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, मेरा ये कहना था कि एक तो यार आप लोग शायद और ज्यादा देखो और जो सही सवाल है वो खड़े करो। आप अपने टीम के अंदर क्लियर की बात करते हो, उनके इमोशंस हैं, ठीक है, नो आप लोग ऐसे मत करो। आज पहली बार उजागर नहीं हुआ है कि हम नॉकआउट गेम्स में, थोड़ा सा ये भी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इन नॉकआउट गेम्स, न्यूजीलैंड वाला मैच में भी पैनिक जो दिखा शायद इसीलिए, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सब लोग क्यों घबराने लग गए थे, जो घबराहट हुई थी वो शायद इस चीज का एक डर था, और जो वहां पर भी डर बन गया था, हालांकि सिचुएशन उतनी खराब नहीं थी। तो हमारा शायद एज अ क्रिकेट फैन भी, हमारा हमारे लोगों का भी दिल ऐसा नहीं है कि हम क्या ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा पैनिक हो गया होगा 47-3 की मैच खत्म बंद कर दो। वही बात कह रहा हूं कि हमें बिलीफ रहा होगा, हमें भी बिल्कुल ये नहीं छोड़ना, जो बिलीफ हमें लगा कि 47-3 हम जीतेंगे, बट वो करने के लिए दीपक भाई बात ये भी होती है कि आपको किसी ना किसी को, आज जेवलिन इंडिया में इतना देखा खेला जा रहा है, तो नीरज चोपड़ा ने जाकर चैंपियनशिप मारी है, आज जोकोविच की धीरे इंडियन टीम को भी क्रिकेट में चैंपियनशिप जब तक नहीं लाओगे तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट लोग यही बोलेंगे भाई बायलैटरल खिलाओ ही नहीं। बायलैटरल किंग्स बड़े बड़े खिलाड़ी थे, बड़े बड़े नाम थे, बड़े इनके रिकॉर्ड्स रहे, आंकड़े रहे, किसी से भी पूछो आप जाकर, मोहम्मद शमी बोलेंगे यार 18 विकेटें कम कर दो इसमें से, विराट कोहली बोलेंगे 200-250 रन कम करो, पर मेन क्या होता है, टीम स्पोर्ट आप खेलते हो अपनी इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए नहीं, और वहां पर जो आपको चाहिए था वहां पर समहाउ एज अ यूनिटी आप फेल करे हो, बैटिंग में भी कुछ कमियां रही है, बॉलिंग में फिर अलग रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है मोदी जी कह रहे हैं डियर टीम इंडिया, उन्होंने ट्वीट किया है, योर टैलेंट एंड डिटरमिनेशन थ्रू द वर्ल्ड कप वाज नोटवर्थी, यू हैव प्लेड विद ग्रेट स्पिरिट एंड ब्रॉट इमेंस प्राइड टू द नेशन, वी स्टैंड विद यू टुडे एंड ऑलवेज। तो यार देखो देखो टीम है यार, टीम का साथ तो नहीं छोड़ेंगे, वो तो बात होगी नहीं कि टीम का साथ छोड़ दे, बट यार मतलब वही है ना, दर्द तो होता ही ऐसी क्रिकेट यार भाई देखो बात साफ शब्दों में ऐसा है, अगर आप ऐसी क्रिकेट खेलकर भी चैंपियनशिप नहीं जीत सकते हो तो पता नहीं फिर आपको एक चैंपियनशिप अकेले ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। हमें केन विलियमसन की ट्रॉफी नहीं जीता तो भी दर्द होता है, हमें कोई साउथ अफ्रीका टीम और हम जीते तो फिर तो अलग ही चीज है, दर्द होता हुआ यार, दुनिया नहीं जीती तो हमें दर्द होता है। ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में 10 मैच जीते लगातार शायद, है ना, नहीं 8 जीते थे, 8 और 9 जीते, ठीक है, और हमने जीते 10, मेरे ख्याल से हमने 10 जीते, एक ही मैच 10 हम जीते हो जो लगातार जीते, वो 9 जीते और वो 9 जीते। तो अब यही है कि ऐसा होता कि भाई अब लोग आज ऐसा भी नहीं हुआ कि जी पहले सेमीफाइनल में बाहर, बहुत अच्छा यार, हम क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते अपनी टीम को, बट आज जो हो गया ना हमारे साथ, मतलब यार वो समझ से परे है, और आज क्यों होता है यार साथ, थोड़ा सा समझ से परे है। ये जरूरी है, जैसे मैं कह रहा हूं कि बॉलिंग वाइज स्ट्रेटेजिकली आना होता है आपको कभी कभी, जो आप बाकी टीम्स के साथ देखते थे ना, वो आज इंडिया में भी ऐसा ही लगा कि बस ऐसा वेट हो रहा है, या कभी कभी कॉम्प्लेसेंसी एक फैक्टर होता है। हम ऑफिस में थे, हमें याद है अंडर 19 का था इंडिया, जिसमें यशस्वी जयसवाल आया था, हमें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश बड़ा शोर थे यार, मतलब बहुत कम लोगों ने मैच देखा होगा, इंडिया का बांग्लादेश था, और जिस हिसाब से बांग्लादेश आया था, उनका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच था, नाम नहीं पता, हाँ। भाई वो क्या पुल अप कर रहा था अपनी टीम को यार, कि क्या अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, वहां पर लड़ाई हो रही है, ऐसी बॉल डाल रहा था, ऐसा लग रहा था यार ये ऑस्ट्रेलिया शोरीफुली वगैरह थे, शोरीफुल था उसमें। तो आज जो लगा ना ऑस्ट्रेलिया को देख, देखो ऑस्ट्रेलिया का चैंपियन हमें पता है डीएनए वाला है, बट ये ऑस्ट्रेलिया जिस लेवल पे वर्ल्ड कप ऑपरेट किया है, पाकिस्तान के पांच साल कुछ लोगों ने कह दिया था भैया ये ऑस्ट्रेलिया में तो दम ही नहीं है, आज उन्होंने दम निकाल दिया उनका, ये इसीलिए कहते हैं देखो एक तो स्पोर्ट में, और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अगर आपको लगता है कि लोग हवा बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो भाई आज रिजल्ट आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का हवा तो कभी नहीं बनाया, नहीं लोगों को लगा कि ऑस्ट्रेलिया तो जी खत्म हो गई, बाहर हो जाएंगे, इन टीम में ये नहीं है वो नहीं, आज क्या हुआ अल्टीमेटली, क्या है वर्ल्ड चैंपियन कौन है, WTC टेस्ट का चैंपियन कौन है ऑस्ट्रेलिया, वनडे का चैंपियन कौन है ऑस्ट्रेलिया, वही बात है कि जिस तरह की क्रिकेट हम खेले थे वहां पर लोग बात करेंगे, जिस तरह की क्रिकेट हम खेले थे हमें ऑस्ट्रेलिया ही हरा सकता था, बाकी और कोई नहीं, मैं तो नहीं मानता अभी हरा सकते, नहीं यार मैं बोलूंगा अभी भी, मैं कह रहा हूँ जय भाई इससे बेटर चांस क्रिकेट ना ऑस्ट्रेलिया ही खेल सकते, बाकी और किसी टीम आज खेल गए, मैं कह रहा हूँ अगर आपको टूर्नामेंट देख के मैचेस देख के बात करते आप बोलते हैं कि न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो समहाउ ऑस्ट्रेलिया वो लेवल पर, बट देन बात वही है कि भाई आज जब आज इनको हम, आज फिर अपनी वजह से हम हाँ। जो आमतौर पे 2014 से नहीं, हम अपनी वजह से आ रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट यार ऑस्ट्रेलिया ने ना बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है, फाइनल के दिन इस तरह का गेम आमतौर पे आप देखते नहीं हो, बाकी टीमें पीछे रह जाती हैं, आप साउथ अफ्रीका को भी देख लो, उन्होंने क्रंच मोमेंट छोड़े थे, फ्रॉम न्यूजीलैंड गो
न्यूजीलैंड ने भी छोड़ा, टॉस होता है सिक्का उछला, द मोमेंट टॉस जीता दुनिया के मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस को ये हुआ धक्का लग गया कि अब तो यार ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी बाद में करेगा। ऑस्ट्रेलिया फैसला क्या लेता है कि हम उन्होंने वो चीज करवा के आपको हरा दिया ना जो आप करना चाहते थे, बोलिंग, उन्होंने बोला हम बोलिंग करेंगे। सबसे बड़ी बात देखो, उन्होंने विकेट की रीडिंग पहली चीज जो बेसिक है भाई, फुल स्टॉप लगता है। हमारे ड्रेसिंग रूम में, हमारी टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, अब कोचिंग सेटअप से लेकर वहां पर उधर भी हैं, बट विकेट की रीडिंग वो टिक लगाकर चले गए। वो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला मुझे तो पता ही नहीं विकेट क्या होती है, फोटो ली थी ना उन्होंने कल रात, फोटो से मजाक उड़ा रहे थे ना कि भाई पैट कमिंस फोटो खींच रहे हैं विकेट की, और आज देख लो उस फोटो खींचने तो का क्या आज मतलब उन्होंने खुद देखो, अलग अलग होता है हर किसी प्लेयर का होता है। जैसे उस दिन, अब अगेन कोई मतलब बाबर को जबरदस्ती में ड्रैग नहीं कर रहा, बाबर ने क्या बोला था कि मुझे विकेट की रीडिंग उतनी बेहतर नहीं होती, इफ्तिकार हैं, इफ्तिकार बेहतर रीड करते हैं, और उसमें ऐसा नहीं होता कि जो बड़ा खिलाड़ी वही रीड कर सकता है, ये अलग अलग वो होते हैं तरीके। विकेट की रीडिंग मैटर करती है या ऑफ विकेट पर परफॉर्मेंस मैटर करती है? देखो भाई विकेट जैसा भी रीड किया कंडीशन खिलाड़ी ने, सबसे बड़ी चीज क्या है ना, जिगरा दिखाया। कई बार आप रीड करके चले जाते हो पर भी फंस जाते हो दो चीजों में, आज रिस्क लिया, जिगरा दिखाया, टॉस पर उनका फैसला क्या था, एक रिस्क था, दूसरी चीज था गैम्बल ही था, गैम्बल था। दूसरी चीज कहना, जो लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हरा सकते हैं, हम पता है क्यों कहते थे, क्योंकि पीछे की ऑस्ट्रेलिया, शायद इस वर्ल्ड कप में आप एनालिसिस करोगे तो कहोगे कि यार ऑस्ट्रेलिया तो कहीं कहीं नहीं था इंडिया के सामने, बहुत आगे था, इस वर्ल्ड कप का आंसर आ रहा है कि अपसेट करेगा क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया को, बताओ। और आज यहाँ पर यार इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया से एक तरफा कहेंगे, इसे मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई हमने लड़ाई लड़ाई की, ये वही हुआ है, दो पर तीन पर इंडिया ने इसी एक्साइटमेंट बनवा दी इस मैच में, आज ने 44 पर तीन के उसके बाद आराम से रनचेज लेगी यार, 200 पार्टनरशिप कर दी आपका, मतलब सब कुछ उधेड़ के रख दिया, कहीं चांस नहीं बन रहे थे, कहीं लग भी नहीं रहा था। एक यार उस दिन केशव महाराज और शमशी बॉल डाल रहे थे ना, लग रहा था एक्साइटमेंट। आज कुलदीप यादव, यार कुलदीप यादव मैं तो भाई क्या बोलू, इस वर्ल्ड कप से पहले कुलदीप यादव के नाम पे ना इतनी चर्चा थी, कुलदीप यादव कुलदीप यादव मेरे लिए इस मैच में यार मतलब उस समय पर आए जिस समय पर शायद उनको बेस्ट भी डिलीवर नहीं करते ना, थोड़ा अच्छा ही कर देते, एक दो विकेट निकाल देते, वहीं से गेम लूज हुआ। और इतनी उम्मीदें थी कुलदीप से, बहुत उम्मीदें थी दिल को, कुलदीप पे मैच विनर दिखता है यार हम लोगों को, पर बड़े दिन क्या होता है यार, आज 6 विकेट से वो जीते, आखिरी का विकेट तो चलो गिफ्ट देके गया है, 7 विकेट को मैं बोलता हूँ क्या होता है हमें कि वो बड़ा दिन छोड़ दी पतंग, मतलब वही है गई कट गई। मतलब मेरे को याद है WTC भी जब हम खेले थे न्यूजीलैंड वाला था, उसके पहले हम ओवरसीज जाते थे, इंग्लैंड गए हैं कहीं भी गए, 10-10, 20-20 विकेट लिए हमने उस टाइम बात होती की बुमराह नहीं थे, आज बुमराह भी है, पीक पे भाई, पूछ लो आप इनसे बेहतर कुछ नहीं मिलने वाला आपको, इन 5 बॉलर्स के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, उन 5 बोलर्स को 44-45 पर 3 के बाद भी आज पूरे तरीके से देखो आप कहीं पर कुछ नहीं। और जो ये कहेंगे ना कि भाई के एक और बॉलिंग ऑप्शन होना चाहिए था, क्या हो जाता ऑप्शन, हाँ। जिस तरह से इनकी पिटाई हो, ऑप्शन की भी पिटाई हो जाती है, उसमें कुछ बहुत कुछ ऐड नहीं कर सकते थे, ये मतलब आपके लिए बेस्ट भाई 5 गेंद। ऑस्ट्रेलिया ने आज क्लास दिखा दी, सिंपल सी बात ये भी है, जिसको आप क्लास कहते हो, हम कहते हैं ना कि क्रिकेट हमेशा मैदान पर तो खेले जाते, बट मैदान के बाहर जहां पर स्ट्रेटजीज बनती हैं, टैक्टिक्स बनती हैं, ऑस्ट्रेलिया की आज बॉलिंग प्लान और उनकी स्ट्रेटजीज देख लो, उनकी फील्डिंग देख लो, ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज बता दी कि आप ना हमसे प्लानिंग में सालों आगे हो गए, एजुकेशन में हम ही आगे हैं, और फाइनल खेलने का तरीका बता दिया आप, भाई फाइनल खेलने का तरीका हमसे बेहतर, आप 120% बना लो, आप 95% 98% अगर मान रहे हो कि आप ऑपरेट कर रहे हो, हम आज 65-70 पर वी आर गुड, रिजल्ट मैटर करता है ना इस दुनिया में भाई। ये टीम पिछले 3 साल के अंदर 3 ICC ट्रॉफी जीत चुकी है अपने हल्के होने के साथ साथ, मतलब 2023 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया जो आई थी पहला मैच, यार मजाक मखौल उड़ाया जाता था ऑस्ट्रेलिया की पॉइंट टेबल में सबसे नीचे आया था, दो हार्ड के बीच में बैठी थी, अब यार ऑस्ट्रेलिया का कभी भी वो जिगरा डाउन नहीं हुआ। इवन हमने यही बात करी कि यार ये जीते भी हैं बट इनके रिजल्ट देखो कैसे रहे, ये कैसे जीत गए, समहाउ बच गए, इनकी हालत यहाँ पर खराब हुई वहां खराब हुई, बट आज जो सबसे बड़ी रात थी, मैं बात बताए अब प्लेयरों की भी वही बात आ जाती है कि फिर हमने ये परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस, बहुत परफॉर्मेंस मैटर करती है, पर यार बड़े मैच में तो परफॉर्मेंस नहीं आई ना, क्या बात, क्या याद रखूंगा मैं, प्रीव्यू से पहले क्या बात की थी इंडिया की तरफ से, 500 रन किसके किसके, 700 रन पे विराट कोहली बैठे हैं, 500 रन पे रोहित बैठे हैं, 500 रन पे अय्यर बैठे हैं, 400 रन पे राहुल बैठे हैं, ठीक है, उधर से हमने बात की थी 535 पे डेविड वॉर्नर ने खत्म किया टूर्नामेंट,
इकलौता खिलाड़ी जिसने 500 बनाए। ट्रेविस हेडी को 350 आधे मैच खेला, वो भी उसमें एक मार्च है और मिच मार्श की दो इनिंग से दो शतक। आज भी मिच मार्श ने कुछ नहीं किया है, ठीक है। मतलब अगर आप उठा लो वो स्टार्क को देख लो, सेमीफाइनल फाइनल मिच स्टार्क सेमीफाइनल और फाइनल में उसकी परफॉर्मेंस देख लो, और आज की विकेट क्या थी जब आउट किया केएल राहुल को, वो 30-40 रन वहीं पर कम कर दिए। तो मिचेल स्टार्क ने भले ही टूर्नामेंट, उन्होंने बोला भी था कि यार मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मेरा टूर्नामेंट नहीं गया, बट आज डिलीवर किया। ना माथे पे कोई शिकन नहीं रहती हमारे, हर चीज में तो हमारी हालत खराब रहती है भाई, जब भी हम 10 साल से परेशान है यार। मिचेल मार्श आउट हुए, देखे कैसे गए आउट होते हुए, हंसते हुए आंख मार के चले गए, दुनिया उसको अलग तरीके से, अलग तरीके, उस बंदे को कोई टेंशन ही नहीं, उसको लगता है पीछे जिताएंगे जिताएंगे, नहीं जिताएंगे, धक्का मारो आगे देखिए, आगे बढ़ते लाइफ में, आगे बढ़ते लाइफ में। हम उसी चीज पर अटके, हम शायद एक हफ्ते दो हफ्ते के हम अटके ही रहेंगे इसी बात पर, हम बात करते हम आगे नहीं देखेंगे भाई। बहुत टीम है ना ऐसी है कि उनको कोई, न्यूजीलैंड ने आगे की प्लानिंग शुरू कर दी होगी, अब किससे सीरीज खेलनी है क्या खेलना है उनको मतलब नहीं, और जबकि न्यूजीलैंड एक आईसीसी ट्रॉफी जीत चुका है 2021 में। अरे बांग्लादेश को छोड़ा यार, बांग्लादेश कहां कंपटीशन कर रहा है, वर्ल्ड कप हमारा था यार लेकिन हम खेल नहीं पाए। आप आ भी जाइए ना आप, अरे आओ बात तो कर लो, दिल में जो है। अनुज भाई आओ ना कुर्सी लेके आओ, वो रही चेयर बैठो अनुज, आप भी आए हो यार सुबह से अनुज, हमारे बेचारे सुबह 6 बजे से ऑफिस में, अभी तक इंडिया की जीत का हमारा प्लान था, बहुत प्लान्स थे यार, और ठीक है कोई बात नहीं, गए गए। इसीलिए क्या होता है स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट में बनाया इसलिए था क्योंकि यार लग रहा था ये गारंटीड वाला प्लान है यार, मतलब ये तो था ही नहीं। क्या आया धीरज ने बोला था कम से कम, ऋषिकेश जी ये सवाल लेते हैं आप तब तक आके बैठे ना, अब यार इंडिया को सवाल दिखा दीजिए एक बार, तब तक अनुज को लगा देते हैं आप आओ, अरे आइए आप, अरे आओ तो सही भाई। ऋषिकेश पॉल जी कह रहे हैं ट्रेविस हेड डिफीटेड इंडिया इन 2023, वो कह रहे हैं WTC फाइनल और वर्ल्ड कप दोनों में हरा दिया। बकुल दादा जी कह रहे हैं बेस्ट ऑफ थ्री फाइनल्स क्यों नहीं, अब वही हम बात कर रहे थे कि बेस्ट ऑफ थ्री फाइनल्स की बात आप कर रहे हैं, भी नहीं हो गया तब ये सब नहीं। और प्रवीण जी कह रहे हैं कि धीरज ने बोला था कम से कम 5 बार की ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड हराएंगे, तो कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट। धीरज ने तो ये भी बोला था कि लबुशेन को वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, धीरज ने तो बहुत कुछ बोला था, ट्रेविस हेड को अगर आउट कर लेंगे तो हो जाएगा, वो भी तो ले लिया करो। चलिए ये थे प्रवीण जी जो कह रहे थे, बाकी भी आपके सवाल लगातार जो है लेते रहेंगे जो जो आए हुए, पर यही नजरें इस पर भी रहेंगी क्या कुछ कहा है। गर्व सेठी जी कह रहे हैं आप सबने ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लिया, वो ऑलवेज फेवरेट इवन इफ अदर टीम हैज 100 मैचेस, नो सिंपैथी फॉर आवर टीम, दे पैनिक्ड लाइक ऑलवेज, फेल्ड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, फोर्थ फैक्टर वो कह रहे हैं बैट बॉल फील्ड के अलावा प्रेशर था, और वो ये कह रहे हैं भाई उनको शर्मिंदा होना चाहिए। आई थिंक इनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं, बट वो कौन सा कहा कि आखिरी सिंपैथी वाला जो उन्होंने कहा, बट वो देखो सिंपैथी के अलावा अगर आप हल्के में ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं, आपने इंडियन टीम को एज पर क्रिकेट सही रेट किया, हमने जो चांसेस की भी बात हुई थी तो आज भी जब बात करते 60-40 इस ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप, भाई जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में श्रीलंका से चेक होकर आ रही है, वो एक केवल पाकिस्तान के साथ भी वो हुआ खेल कर, देखो आप क्या बोलोगे यार, ऑस्ट्रेलिया ने अपने पोटेंशियल पर क्रिकेट नहीं खेली है, मेरा साफ कहना यह है कि 65-70% पर खेलकर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई है, और यही वो ऑस्ट्रेलिया टीम है जब शायद बाकी लोगों को लगा होगा कि इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया को सबसे ऊपर रखा था वर्ल्ड कप जीतने वाली जब बात होती थी, तो ऑस्ट्रेलिया ही आज जीत रही है अगर उस लिहाज से आप देखो, बट इंडिया ने जो क्रिकेट खेली भाई आपको साफ पता था कि इंडिया के मुकाबले की टीम इस वर्ल्ड कप में नहीं थी, और हम लोग क्या, चलो आप लोग समझते होंगे ये तो कौन है क्या है उन्हें बल्ला जिंदगी पकड़ा नहीं है यार पूरा, मैं कह रहा हूं चलो इंडियन आप क्रिकेटर्स हटा दो फॉर्मर, चाहे नासिर हुसैन है चाहे कहीं पर कहीं और है, हर कोई माइलेज की नहीं, वो क्रिकेट पर ही बात कर रहे हैं, कॉमेंट्री करते हुए बात कर रहे हैं, उनका भी मानना था कि बेटर ये बोल रहे थे कि इंडिया को भाई दिक्कत तब हो सकती है 5 बॉलर एक आध इंजर्ड हो जाए, हाँ वो तो ये बोल रहे थे, ये तो बोल ही रहे थे छठवें ऑप्शन की तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं होती, ऑप्शन से क्या हो जाता बोला तो भाई जिस तरह की बैटिंग में ट्रेविस हेड करके गया है यार, आपके पास 6 नहीं 11 के 11 बॉलर होते ना तो भी कुछ नहीं होना था। वृषभ जी हैं वो कह रहे हैं कि हमारी टीम ने बढ़िया खेला बट आप हर चीज भूल जाइए, वो कह रहे हैं कि वो क्रिकेट नहीं देखेंगे, रिटायर हो जाएंगे विराट और रोहित शर्मा और उनको बड़े भावुक हो रहे, रिटायर का तो यार कोई फैसला आया नहीं, बट देखिए फीलिंग्स हमारी भी सेम है, हम भी अपना दिल मजबूत करके, और क्योंकि क्रिकेट पर तो बात करनी है बताना ही आपको तो उसके हिसाब से बता रहे हैं, और अगर टीम की परफॉर्मेंस जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा सदा जिन एस्पेक्ट्स पर बात होनी चाहिए वो अभी भी कर रहे हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि भाई आप बड़े मैचेस में क्या करते हैं, वो एलेक्स कैरी नजर आए अभी तो उनको देखकर ही लगा कि एलेक्स कैरी को आप, कौन एलेक्स कैरी, वही जो अब बाहर बैठते हैं जॉश इंग्लिश खेलते हैं, वो जो रिकी पोंटिंग और गिलक्रिस्ट के साथ टीम और हमेशा रिवर्स खेला करते थे, अच्छा वो एलेक्स कैरी वो 2003 वाले जॉश इंग्लिश को वो खिला रहे हैं, जॉश इंग्लिश ने पिछले मैच में कितना क्रूशल, हालांकि आउट हो गए थे, ब्रेंडन मैकलम की शक्ल का इंसान है, एरन फिंच और ब्रेंडन मैकलम का मिक्स वो लेकर आते हैं वहां पर, ऑस्ट्रेलिया की टीम को यार फिर से जो है एक बार ही मानना पड़ेगा,
चैंपियनशिप का मेडल मिल रहा है, दे आर दी रोहित शर्मा ने कुछ मतलब वैसा खास नहीं कहा, उन्होंने एक्सेप्ट ही की ये चीजें, कहा कि हमारे हिसाब से नहीं रहा आज का दिन और 20-30 रन उनको लगता है कि कम बनाए टीम इंडिया ने। केएल और कोहली ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और एक समय पर लग रहा था कि 270-280 बन जाएंगे, पर हम लगातार विकेट गंवाते रहे। 240 से जब आपके पास बोर्ड पर होता है तो आप चाहते हो कि विकेट्स लें, लेकिन वहां पर क्रेडिट देना चाहेंगे हेड कोच लाबुशेन को, जो उन्होंने बैटिंग अच्छी की और मुझे लगता है कि विकेट्स ने अंडरलाइट ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है बैटिंग में। और मैं एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, पर मेरा यही कहना है कि हमने इनफ रन नहीं लगाए बोर्ड पर, और जो दो खिलाड़ी खड़े हैं लाबुशेन और हेड, उन्होंने जितनी बढ़िया पार्टनरशिप की है वो मैच हमसे ले गई, तो मतलब उन्होंने सीधा भाई मुझे मजाक लगा था इनके घर में कुछ अचानक जो भी हुआ था, इनकी शायद दादी जी की इमरजेंसी थी घर पे, ये गए और उन्होंने वहां से और विद इन आई थिंक ये 48 आवर्स या आ गए थे आज ऐसी है, तो उन्होंने वहां से फोन किया, तो फोन या मैसेज जो मैं हंस रहा था यार ये टीम अभी की यार बाहर यही होता है ना भाई, कई बार आप कॉन्फिडेंस कहते हो ये विश्वास भी होता है अपने ऊपर होता है कि हाँ होगा अच्छा 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 और अगर आप बड़े बस बट एक अम्मी बात है, जीतेंगे हारेंगे या तो फिर छोड़ दो, जब इतना ही डर है तो छोड़ दो। पर ट्रेविस हेड को क्या जैसे आप क्या कहेंगे, जो हम एक डिस्कशन भी कर रहे थे कि आज के डेट में अगर कोई प्लेयर आप आसपास खड़ा करोगे तो ऋषभ पंत एक आपको लगता है कि जो मैच कर सकते हैं, पिछले 2.5 साल से ट्रेविस हेड जो खेल रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में क्या क्या बड़ा होता है गिन लेते हैं, एशेज वो घर पर एशेज उन्होंने अपनी बैटिंग से चेंज करी थी, बॉलिंग से स्टार्ट मिली सब कुछ है, WTC फाइनल वो आपको जिता दिया, यहाँ पर आपको वर्ल्ड कप जिता दिया है, इवन आपको अगर बात करेंगे जो T20 वर्ल्ड कप आएगा उसमें भी उसमें भी, और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आप ट्रेविस हेड कहाँ थे, ट्रेविस हेड बाय द वे आप ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी देखा ही नहीं, ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी उठा के देखिए और चार एक्सपर्ट को बैठा दीजिए उनकी बैटिंग में 40 बॉडी आउट कर दो 40 कमियां गिना देंगे, बट यार चैंपियन प्लेयर यही होता है कि उन कमियों के बावजूद भी अपनी टीम को चैंपियन बना रहा है वो। ट्रेविस हेड का तो किसी मुझे जो लगता था ये कोई क्रिकेट खेलेगा तो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेगा, वहां पर इसके लिए चांस ही नहीं था, फिर ये सडनली पता नहीं टेस्ट क्रिकेट में कैसे, वही आज बता भी रहे थे शायद, क्योंकि जो हम पहली वाली सीरीज जीते थे ऑस्ट्रेलिया में जाकर तो ट्रेविस हेड उसमें भी खेलते थे, वो स्लिप गली आउट लगता था यार कि क्यों खिला रहे हैं टेस्ट, आज की डेट में टेस्ट मैच वो जिता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, WTC का फाइनल जिता दे रहे हैं, उसके बाद वनडे में लेकर आए, वनडे में कब आए जब भाई एरन फिंच पर डिसीजन एक हो गया है, बहुत ऐसा नहीं कि लंबे टाइम से वनडे क्रिकेट पूरी साइकिल में खेली होगी इन्होंने और अब एकदम रवा हो गए, बट डिलीवर कर दिया यार, कैलिबर है उस प्लेयर को भी आपको सल्यूट करना पड़ेगा जो आज उसने परफॉर्मेंस दी है भाई, मतलब शायद वर्ल्ड क्रिकेट में अपना खौफ तो बना रखा है ना, हम फाइनल से पहले भी आज की इनिंग के छोड़ भी दो तो हम यही कह रहे थे ना भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम में दो ही ऐसे बल्लेबाज है जो फाइनल की तस्वीर बदल सकते हैं, डेविड वार्नर है और दूसरे जो रिसेंट फॉर्म के बेसिस वो ट्रेविस हेड थे, बाकी और आप स्मिथ को देख लो, लाबुशेन को चलो आज फाइनल के दिन उन्होंने बहुत स्मिथ तो शुक्रगुजार होने स्मिथ हो गए कि लाबुशेन ट्रेविस हेड इन दोनों ने मिलाकर जो है बेस्ट चांस हमारा वर्क तो भाई है ना एक रेपुटेशन बना रखी है, क्यों बताओ इंपैक्ट आउटसाइड पे चले गया है और उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया द लकीएस्ट वन की वर्ल्ड कप जीत गया, इंडिया द क्या बोले अब यार, हमारे प्लेयर्स कम थोड़ी है किसी से, हमारे प्लेयर्स इतना अच्छा खेले, पर वही वाली बात है जिस दिन सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आया उस दिन वही है ना, कुछ ऐसा थोड़ी हमारे प्लेयरों को कोई कमी है, सबसे बेस्ट प्लेयर हमारे, आप बेहतर होते हुए पीछे रह जाओ तो आपको ज्यादा बुरा लगता है ना, वही ना डिजर्व नहीं करते, खराब खेल कर है टूर्नामेंट में तब, और पैट कमिंस इनकी भी कप्तानी इनकी बॉलिंग हर एक चीज पे सवाल था, ये कहा जा रहा था कि भाई ये खेल क्यों रहे हैं 11 में इनकी जगह क्या है, तो धीरे 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 प्रदर्शन इनका बेहतर हुआ और बेस्ट कब आया फाइनल वाला भाई विद द बैट भी देखो आप, जो शायद एक और मैच में उन्होंने बल्ला खूब चलाया था नीचे, पाकिस्तान वाला मैच था कुछ रन यूज़ हुए बनाए थे नीचे, ठीक है आज तो बॉलिंग तो हटा दो जो पिछला मैक्सवेल के साथ खेला, मैक्सवेल के साथ ठीक है, एक और कोई इनिंग शायद उन्होंने थोड़ा बहुत खेला था कहीं पर, इवन ये पिछला यार साउथ अफ्रीका वाला नो डाउट ऐसा जो भी है वहां पर एक रोल निभाया इन्होंने, आज आप देख लो इस लड़के ने पैट कमिंस ने बॉलिंग में जब हम इसकी बात करते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्टार्क आता है, हेजलवुड आता है स्टार्क, क्योंकि उस जमाने से करता है, अगर करेंट भी मर्ज उठाओगे तो हेजलवुड आ जाएगा स्टार्क आ जाएगा, ये दूर दूर तक नहीं आता था, इवन लगता था शॉन एबर्ट है, कह रहा हूं ये सब हटाओ, बट इसने जो जिस मैच में शमी बुमराह सिराज स्टार्क और हेजलवुड खेले, आप व्हाइट बॉल में अगर पैट कमिंस की बॉलिंग कर रहे की बात कर रहे हो ना तो उसने मतलब नेक्स्ट लेवल कर दिया है, जो आप उससे सोच ही नहीं सकते, विकेट रीड कर ली, ये सब खेले विकेट रीड कर ली, इस विकेट पर मोहम्मद शमी जिनके लिए आप बात करें कि आज की डेट में तो भैया बॉल कौन सी दे रहे हो चिप वाली, अंडर द लाइट्स जोड़ो इसमें, अंडर द लाइट्स डाला है, बुमराह बॉल डाल रहे हैं, सिराज बॉल डाल रहे हैं, फिर आपके लाइनअप में कौन है वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा बॉलर जिन्हें आप गिनते हो स्टार्क,
आपके पास वहां पर साथ में हेजलवुड है, पर कौन स्टैंड आउट किया है? पैट कमिंस। वो अपनी लीडरशिप में भी, कप्तानी में भी, डिसीजन मेकिंग में भी, जो भी फैसला रहा, सब लोग हंसे भी यार उस पर कि यार ये क्या फैसला ले लिया, ये क्या कर दिया आपने। अब वो हंस रहा है दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बोल दिया था, साइलेंस दो बार जवाब दे दिया, सब चुप है, बोल रहा है कि भाई 20-30 रन पहले खाली हो गया था आपका, 130,000 कहां गए सब। एक बार जवाब दिया बोल के और एक बार जीत के जवाब दिया है। 2023 इसी 3 महीने पहले यार वर्ल्ड कप से पहले WTC फाइनल हुआ, वहां पर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में भाई किसी ने पूछा, शायद रोहित शर्मा ने कहा था कि 3 फाइनल होने चाहिए, उन्होंने कहा रिजल्ट के बाद था, एक ही होता है ओलंपिक में फाइनल, और आज भी एक ही फाइनल था। और आप जो कह लो, देखो मेरे को लगता है 130,000 या 150,000 दर्शक होते हैं कोई बात नहीं, खेलना 11 खिलाड़ियों को है, हम बाहर से क्या 130 करोड़ 140 करोड़ दर्शक है, और विदेश में तो बहुत लोग हैं हमारे, तो सब सपोर्ट करते हैं यार, और कई टीम के खिलाड़ी, पर यार खेलना तो उन्हें 11 खिलाड़ियों को, इन्होंने शायद अपने हम दर्शक भर रहे थे अपने दिमाग में, इन्होंने अपने दिमाग में परफॉर्मेंस भरी है कि हमें तो जाकर बड़े टाइम पे परफॉर्मेंस देनी है यार, कोई प्रेशर ही नहीं है इनके ऊपर। मिचेल मार्श कहते हैं कि यार यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं हंसते हुए निकल रहा हूँ, स्टीव स्मिथ अपना जाके अंदर बैठ के बिना मतलब आउट नहीं है, उनको पता है जीतेंगे जीतेंगे नहीं जीतेंगे, आपको याद आएगा शायद जो ये T20 वर्ल्ड कप भी जीते थे, उस T20 वर्ल्ड कप में भी शायद इनको वो हुआ था ना, क्या हुआ था इनको, नॉट आउट थे ना वार्नर, T20 वर्ल्ड, हाँ जब ये T20 वर्ल्ड कप जीते उसमें भी वो भी चल पड़े थे ऐसे, तो ये भी अजीबोगरीब चीजें वहां पर कर जाते हैं जिस तरीके से रहा है। T20 वर्ल्ड कप में तो मिच मार्श से मार दिया था ना फाइनल, मिच मार्श और फिर बाद में स्टॉइनिस वहां पर, और वो भी T20। अब आप देखो आज अभी तक हमने जैम्पा की बात नहीं करी है, जैम्पा जब T20 वर्ल्ड कप जीते तब और जैम्पा जब आज वनडे वर्ल्ड कप जीत रहे हैं तब, आज दोनों जगह कंट्रीब्यूशन देख लो, जैम्पा ने खड़ी करी टीम बॉलिंग में, बैटिंग में तो आगे थे, जैम्पा उतना आपको दिखा हो, पर ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट तक लाने में उसकी बहुत अहम भूमिका थी, बिल्कुल है बहुत थी, और बैटिंग ग्रुप में ऐसे हम बात करते कि वार्नर के प्रेजेंस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यार जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने खेला है मतलब आप उनको सल्यूट ही कर सकते हो, और एडम जैम्पा ने भी यार इतने बड़े बड़े गेंदबाज हैं टेस्ट क्रिकेट के, स्टार्क कमिंस हेजलवुड, अगर ये आकर ओपनली बोलते हैं ना कि भाई जो हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं ना हम जैम्पा की वजह से जीते हैं, बाकियों ने किया नहीं किया बट जैम्पा ने जिताया, और इस वर्ल्ड कप में भी इस टीम ने एक टीम की तरह खेला, आप देखो ना आज बॉलिंग में ही उठा के देखो सबने अपना अपना रोल प्ले किया है, मतलब किसी को भी आप स्टैंड आउट कर दो तो वो अलग बात है, ट्रेविस हेड आके एक अलग सी इनिंग खेल जाते हैं बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में अगर आप देखो एक टीम के रूप में, मतलब जहां भी टीम की बात हुई है ना ये टीम की देखो, हमारे पास तो 5 बॉलर होते थे, इनके पास होते थे 4 प्लस मैक्सवेल या ट्रेविस हेड या मिच मार्श या कभी स्टॉइनिस या कभी कोई, बट उसी से खेलकर इसीलिए मतलब देखो आज ऐसा नहीं कि फर्क ये पैदा हो गया, बट मेरी जो सोच हमेशा इससे रहती थी कि भाई आपके पास जितनी यूटिलिटी वाले प्लेयर्स रह जाएं वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको हमेशा मदद करता है, टेस्ट क्रिकेट में होता है कि भाई एक बॉलर एक्स्ट्रा बच गया, एक बॉलर एक्स्ट्रा पड़ेगा वहां पर। अब देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जो है साथ में, मेरे ख्याल से ICC के वो हेड होंगे, नहीं ये शायद डेप्टी दोनों जो बुला रखे हैं एज ए गेस्ट लाइन, उन्होंने पैट कमिंस को जो है ट्रॉफी थमा दी है और वो अब आराम से वहां से जा रहे हैं, तो लोगों की ये भी इस पर भी नजर रहेगी ना कि रिकी पॉन्टिंग वाला जो एक विजुअल है वैसा ना हो तो वो पूरे नहीं सकता। और भाई अब ये विजुअल यार, ये विजुअल टीम इंडिया के होने चाहिए थे यहाँ पर, रोहित शर्मा के हाथ में कप होना चाहिए था और टीम भागते हुए आनी चाहिए थी, वो जश्न होना चाहिए था वो सब कुछ, बट आज जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हिस्ट्री में 6 बार 8 बार फाइनल खेली है, उन 8 में से 6 बार जो है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है ऑस्ट्रेलिया की ये टीम, जिस टीम को हम कह रहे हैं कि शायद ये अपने पोटेंशियल पर भी नहीं खेले जो इनकी क्रिकेट होनी चाहिए थी, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए तो लॉस ही कहेंगे यार एज अ इंडियन क्रिकेट फैन की, जो हमके हमारी एक्सपेक्टेशंस थी जितना सब कुछ जितना हम एक्सपेक्ट करते थे और जो क्रिकेट भी खेली टीम इंडिया ने यार, अगर हकदार होना वाली बात रहती थी बट फिर वही कहते हैं कि डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग क्या होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आज वो खड़े हैं ट्रॉफी के साथ जश्न मना रहे हैं तो वही डिजर्विंग है, वही चैंपियन है वहां पर। 2023 इंडिया में आकर जो है वर्ल्ड कप चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस सबसे फ्रंट में जो है ट्रॉफी लेकर खड़े हैं, पूरी की पूरी टीम वहां पर जोश में जो है नारे लगा रही है, जश्न चलेगा इनका रात भर जिस तरीके से है। अभी वो करते हैं ना पिछले बार T20 वर्ल्ड कप में जूते से शुई उसको शुई कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सेलिब्रेशन होता है, पानी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के सेलिब्रेशन में उसको शुई बोलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के जो रेसर्स भी होते हैं F1 वगैरह तो सेलिब्रेट करते हैं अपनी विन,
जूते में डालकर जो भी उनकी ड्रिंक्स रहती हैं उसको उस तरीके उसको से पीते हैं। हाँ। तो आज भी आप करेंगे मतलब वो हाँ अपने पहने हुए जूते जो आज मैच में पहने होंगे जो आज मैच के पहने यार देखो ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया को अगर आपको किसी को स्पोर्टिंग कंट्री कहना है यार इनको स्पोर्टिंग कल्चर है भाई ये स्पोर्टिंग कल्चर है ये वो टीम है जो जैसे स्टीव वॉ इतना बड़ा कप्तान उसको बता देते हैं कि आप अगले वर्ल्ड कप में नहीं हो गए आप स्टीव वॉ जितवा दिया है वर्ल्ड कप हम देख रहे हैं रिकी पोंटिंग के साथ ऐसी सिमिलरली ऐसी आगे लेकर चलते रहते हैं 15 वर्ल्ड कप जिताकर चलेगा ना फिर उसके बाद कहां खेलेंगे मिचेल अभी याद है मेरे को स्पोर्टिंग से मिचेल क्या नाम है उसका मार्श नाम भी आप भूल स्टार्क स्टार्क का भाई है और ओलंपिक में आता है बताओ हाँ नहीं स्पोर्टिंग उनकी एक हिस्ट्री है लेगेसी है सब कुछ है और ऐसे मोमेंट्स बनाती है ना यार आज ऑस्ट्रेलिया में क्या वक्त हो रहा होगा जो वहाँ पे डाई हार्ड क्रिकेट फैंस हैं बाकी तो देश शायद हो होगी सोच चुके होंगे बट कुछ जगह होंगे उनके लिए आज उनके लिए नए पैट कमिंस नए डेविड वार्नर वो आज देख रहे होंगे स्पोर्ट्स में ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट खत्म हो गया था भाई सैंड पेपर गेट के टाइम डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जो आज वर्ल्ड चैंपियन बनकर बैठे हैं डब्ल्यूटीसी का मेडल लेकर बैठे हैं टी20 वर्ल्ड कप जो जीते वो बैंड थे और उनका क्रिकेट होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता था उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया से ऐसे ऐसे प्लेयर्स खेल गए जो हमें लगता था कि यार ऑस्ट्रेलिया का लेवल क्या हो गया कोई भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है बट ऑस्ट्रेलिया वापस कैसे खड़ा हुआ है आप देख लो आज उनके पास टी20 वर्ल्ड कप वनडे वर्ल्ड कप और डब्ल्यूटीसी फाइनल है पिछले 3-4 साल अगर उठा लो आप तो उनकी भी तो हिस्ट्री और उनका भी तो कुछ होगा वो कैसे जीत जा रहे हैं वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं बड़ी मोमेंट पर ना उनको घबराहट हो रही है ना डर है कोई घर पर भले ही अपना टी20 वर्ल्ड कप वो हारे थे बाहर हो गए थे ना लीग स्टेजेस में ही जो इनका इन्होंने होस्ट किया पिछला वाला इन्होंने होस्ट किया न्यूजीलैंड ने इनको मारा था पहले मैच फाइनल नहीं खेल पाए यार ये पिछले साल नहीं पहुंचे थे नॉकआउट कोई टेंशन ही नहीं उसके बाद चर्चा भी नहीं हुई बट आज खड़ी है भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम को 6 बार चैंपियन रही है यार क्योंकि हमारा काम तो यार क्रिकेट की भी बात करना है तो ऑस्ट्रेलिया को बधाई है भाई पूरे हमारी तरफ से बधाई है ऑस्ट्रेलिया को जो आपने अपने क्रिकेटरों के लिए भी प्लीज सपोर्ट रखो कोई मतलब किसी को कभी यार हेट मत दो हमारी टीम बहुत अच्छा खेली बस वही है जिस दिन बहुत ज्यादा जरूरत थी उस दिन अच्छा नहीं खेली अदरवाइज हमारे यार देखो हेट कमी नहीं है आप आज अगर सोशल मीडिया पर जाकर उनके कमेंट करोगे फोटोज पर ये करोगे वो करोगे उसका कोई मतलब नहीं है सपोर्ट कंस्ट्रक्टिव देखो हम हमेशा बात करते हैं अब आपको नेक्स्ट जॉब पर लगना पड़ता है जो आपका टी20 वर्ल्ड कप है वहां आपको अब देखना है और आपके पूरे सिस्टम को समझना है कि हमारी जरूरत क्या है क्या हमें कोई रास्ता बना रहे हैं या फिर हम हमेशा वही कर रहे हैं कि जो हमारे पुराना फॉर्मूला रहता था उसी के साथ जा रहे हैं इन सब पर देखना और जो कंस्ट्रक्टिव आपको लगा उस चीजों पर बात करना है उन पर देखना है कि क्या कुछ बेहतर हो सकता था डिसअपॉइंटमेंट है रोहित शर्मा यार इतनी अच्छी उन्होंने कप्तानी करी इतनी अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी करी आज भी जो हुआ जो उनका विकेट गिरा शायद वहीं पर गेम काफी हद तक रोहित शर्मा भी क्या ही सोच रहे होंगे यार कि 500 भी मार दिए मैंने 500 मार दिए ऐसी इंटेंट से भी खेल लिया जिससे बैटिंग कर दी ये तो फिर भी बुरा लग रहा है सबके लिए यार शमी वो लोग 6-7 मैचों में दुनिया में आज से 20 साल बाद भी क्रिकेट देख लेना 25 साल बाद भी क्रिकेट देख लेना मोहम्मद शमी के 6-7 इनिंग में इतनी वर्ल्ड कप विकेट कोई नहीं ले पाया कोई नहीं जा पाएगा दे सकता हूं आज भी आप बोल रहे लिख लिख के देने के बाद ये मैं दे सकता हूं क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में बॉलर्स के लिए उतना बचता नहीं जा रहा है और यार जो शमी ने परफॉर्मेंस सब कुछ तो कर लिए नहीं आया लेकिन 700 रन यार वर्ल्ड कप में मजाक है 700 रन वर्ल्ड कप स्टेज पर नंबर 4 हमारा आके पिछले बार तो नंबर 4 का हमने 4 साल रोना गाया इस बार तो नंबर 4 ने 500 रन बनाया मतलब आप इस टीम में आप आज बोलो अगर आप इतना ही आपको लग रहा है ना कि टीम पर क्रिटिकल हो जाने वाली बात है कुछ है आप बताओ कि गोइंग इनटू द फाइनल टीम में कमी क्या थी Exactly. एक नॉकआउट था नॉकआउट हडल था जो मतलब शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी होता हूं टीम का तो नॉकआउट के बाद जिस दिन वो रिजल्ट आया तो उस दिन हम सबको पता था कि भाई द मोमेंट हम नॉकआउट स्टेज क्रॉस कर देंगे तो फाइनल में हमें उतनी घबराहट नहीं होगी इसके अलावा क्या कुछ था कोई फर्क ऐसा था एक चीज मैं बस देखना चाहूंगा इंडियन क्रिकेट में मेरे को नहीं फर्क पड़ता चैंपियंस ट्रॉफी या फिर ये ट्रॉफी वो ट्रॉफी जीते ना जीते कहीं भी क्रिकेट देखू ना अच्छी विकेट पर मैच देखू इंडियन टीम अच्छे विकेट पर लड़के हारेगी भी ना तो भी एक्सेप्ट करेंगे गाबा में अच्छी विकेट मिलती है ना गाबा में जीता ना इंडिया अच्छे विकेट पर जय भाई क्या हमें जरूरत है ऐसी विकेटें पर्टिकुलरली चाहिए हमें यार आपके पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है वर्ल्ड क्लास बॉलर्स है तो आप पिच को मतलब उस तरह के जो आप चाह रहे हो स्लोविश हो जाए बॉल टर्न करेगा ये मतलब पहले से ही दिमाग में आप प्ले में उनको ही लेकर आए लेके आए आज हम क्या बात एक बार बताओ हमारी तैयारियां यार मैं टेस्ट क्रिकेट की भी बात कर रहा हूँ भाई मैं सिर्फ इसकी बात ही कर रहा हूँ एक क्रिकेट फैन अच्छा क्रिकेट देखना चाहता है वो जीत नहीं देखना वो चाहता है कि हमारी टीम अच्छा खेले दूसरी टीम अगर अच्छा खेल के मैच अच्छा होगा कोई जीते एक टीम को तो हार जीत करना है जीत से थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है आदमी फिर वर्ल्ड कप में भी हम अच्छा करेंगे और हम हर डब्ल्यूटीसी में भी अच्छा करेंगे हर जगह अच्छा करेंगे बस मैं चाहता हूँ अब टेस्ट मैच हो या टी20 हो वनडे हो अच्छी देखो वो
मुश्किल है कि हमें देखने को मिलेगा, बट एटलीस्ट चलो टेस्ट मैच तो हम कह लेंगे कंडीशन ये हमारी टीम में ताकत है, हर विकेट आपको सकती है किसी को। इस अगर वर्ल्ड कप में कोई एक टीम थी, कोई एक बॉलिंग लाइनअप था जिसको आप कोई सी भी कंडीशन दे दो उसमें डिलीवर कर सकता था, वो आपकी थी। बट आपने द मोमेंट थोड़ा सा उसका बैलेंस छेड़ना चाहा, वो जो पैचेस रहे ये रहा वो रहा, आपने कर दिया ड्राई सा सरफेस, और जो आप चाह रहे थे ये सोचना ये एक बड़ी बात है कि इंडिया आज बैटिंग ही करना चाह रहा था, इंडिया आज बैटिंग ही करता ना टॉस जीतता, और उस पर उस गेम में आपको ऐसा वन साइडेड मार के गए वो, तो वहां पर पिच कितनी क्रूशियल है ये समझना कि पिच अगर इवन रहती है ना, दिन में बहुत ड्राई होती है और बाद में बेटर प्ले करती है अंडर द लाइट, तो आप ज्यादा ड्राई विकेट क्या किया आज स्पिनर्स का इफेक्टिव रोल मंचूरियन खाओगे ड्राई विकेट, अब क्या बचा, अब वही है आज आपने जो पूरी टूर्नामेंट खेली जो सब कुछ था जो सबकी कुछ थी बातें वो सब रह गई अब यहाँ पर ऐसी पूरे 10 मैचों का जो सब किया धरा था वो इस मैच में बराबर हो गया। यार वही है ना, आपने सिर्फ आप इस वर्ल्ड कप क्यों, अब अगले वर्ल्ड कप में या अगले आईसीसी इवेंट में आप फिर से इंतजार करोगे, फिर से आप ये सारी चीजें बनाओगे कि क्या भाई क्या रहता है क्या नहीं रहता, बहुत सारा हमें ओडीआई वर्ल्ड कप पे तो फिर रहेगा। हम वही मैं कह रहा हूँ, चलो ओडीआई वर्ल्ड कप तो चलो आने वाले, अभी T20 वर्ल्ड कप है अगले 6-8 तो ये भी रहेगा ना, ये 10 मैच लगातार जीत भी जाएंगे तब भी नहीं लगेगा कि यार जीत, अब ये डर ही आपने बढ़वा दिया और बढ़वा, अब आपको पता है आपने ट्रॉमा में डाल दिया है, मतलब कि लोग अच्छा आगे भी इन फ्यूचर अच्छा करेंगे ना तब भी ये दिखेगा कि यार अच्छा कर लिया ठीक है, जिताओ पहले फाइनल जिताओ ट्रॉफी जिताओ, यार इस हार ने कहीं ना कहीं ऐसा कर दिया है जिस दिन आप बैटिंग पहले करके फाइनल में वनडे में 400 भी बनाओगे ना तब भी डर के ही बैठे रहेंगे हम, अब जब तक जीतेंगे नहीं तब तक नहीं लगेगा। और यार ऑस्ट्रेलिया के देखो जो विजुअल्स हैं जिस तरीके से उनकी सेलिब्रेशन, हम यही तो चाह रहे थे कि आज यहाँ होते हम आपको देश भर क्या दुनिया भर के भरा रहता अगर हाँ, इंडिया जीती दो साल पहले, ये बगल में फिंच है चैंपियन बना कर गए हैं हाँ, आज देखो एक डेढ़ साल से कमेंट्री कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने पूछा किसी ने पूछा कि बुमराह को कैसे खेलोगे, बोले मेरी तरह रिटायर हो जाओ, समझ नहीं ना एक्सेप्टेंस की भैया अब नहीं हो पा रहा उस लेवल में, इवन T20 वर्ल्ड कप पर इन पर दबाव बन रहा था क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं थी, तो उन्होंने उस टाइम पर वनडे की पहले छोड़ दी कप्तानी और वनडे से फिर रिटायरमेंट ही हो गया था, तो फिर उसके बाद ट्रेविस हेड की एंट्री भी हुई है, तो रास्ता भी बनाना पड़ता है यार। जो ओएन मॉर्गन की टीम में बात होती है कैसे जगह बनी प्लेयरों की, कैसे वहां पर आई जर्नी, एक ट्रांजिशन रहा स्मूथ, वो सारी की सारी चीजें रही वहां पर। देखिए धीरज भाई कह रहे हैं उन्होंने मानस लबुशेन के लिए जो उनको सपोर्ट दिया, मानस लबुशेन आपने इस दिन के लिए सपोर्ट दिया था धीरज भाई, क्या पता था अपने को आगे ठोक के चला जाएगा ये, और आज शायद उनका सबसे कम स्ट्राइक रेट रहा होगा जो उन्होंने इनिंग्स खेले, काम वो था ही नहीं उनको, बस खाली स्ट्राइक रोटेट करनी थी जो उन्होंने बड़े अच्छे तक 52 का स्ट्राइक रेट, मतलब 52 के स्ट्राइक रेट वाली इनिंग्स 2023 में एक इन्फ्लुएंशियल नॉक है वर्ल्ड कप फाइनल में, तो आप सोचो एक तो मानस ने क्या किया है, दूसरा ट्रेविस हेड ने क्या बैटिंग करी है भाई, 100+ के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करी है, और जब आप लेकर आए मोहम्मद शमी की अटैक में लाओ विकेट चाहिए सर के ऊपर से चौका, आप लाए वो शॉट देख के ना स्लोवर बन के मारा, देख जो शमी के ऊपर शॉट लगा ना पहली बॉल वो देख के तो मुझे लग गया कि मैच हार गया, वो मैं कह भी दिया कि वो हार गए, वो शॉट ही तोड़ देने वाला शॉट था, और वो ये बताता कि ट्रेविस हेड किस जोन में थे उस टाइम पर, और ट्रेविस हेड ने फिर जो जवाब देन अगेन आपने क्या किया, बुमराह को ले आए आपने बुमराह को भी मारा स्लोवर उन पे, आधा बैट फेंक दिया लगा वो हाफ करेक्ट में चौका हो गया, कुलदीप यादव ने हल्का सा एयर दिया था उन्होंने छक्का मार के उधर दे दिया, कुलदीप यादव ने तो सब दे दिया यार, ट्रेविस हेड ने भी कुछ वो जगह पर था सब दे दिया उन्होंने, वो जगह इतनी उम्मीद थी उनसे यार, मैच विनर थे हमारे भाई, कहीं ना कहीं अभी वही हो गया 99 की सब बात करते थे ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से कि ऐसी सिचुएशन में, वहां तो चलो ज्यादा फंसा हुआ था उनकी कैंपेन उतनी बेहतर नहीं रही थी, बट आप जिस तरीके से आए हो सेमीफाइनल में भी ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया अब हार गई तब हार गई, पर फाइनल में आई, प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली, विराट के लिए एक बार तालियां भाई, लेकिन जो बैटिंग विराट कोहली उन्होंने, मतलब विराट कोहली विराट के लिए रोहित के लिए पूरी टीम इंडिया के लिए यार, पूरी टीम इंडिया के लिए एक तालियां यार, मतलब यही है कि अब ये भी देख रहे हैं कि शायद शमी के लिए वनडे में भी, अब वही चीज है ना कि अब सिर्फ तालियों से काम नहीं चले आपको, भाई ये सोचो कि आप अगर हम चाहिए तालियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी भी चाहिए आपको, ऑस्ट्रेलिया को भी क्रेडिट उतना ही है कि यार जो उन्होंने इतना हल्का टूर्नामेंट खेल के ट्रॉफी लेकर चले गए, और आज जो उन्होंने एक एक चीज करी है, मतलब एक एक चीज में उन्होंने बोल दिया कि आज सब कुछ को डिफाई कर देंगे हम, अगर तुम लोगों को लगता है कि फॉर्मूला है कि पहले बैटिंग करो रन लगा दो बोर्ड पर हम उसमें हरा देंगे, अगर तुम्हें लगता है कि जल्दी विकटें ले लो अंडर द लाइट्स गिरा कर ले जाओगे हम फिर भी वहां पर हरा देंगे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बेस्ट बॉलर्स हैं और हमारे पास उस तरीके के बल्लेबाज हैं हम उसमें भी कर जाएंगे,
तो ऑस्ट्रेलिया को भी उनकी क्रिकेटिंग सोच को उनकी उनका यार बिलीफ एक फर्क पैदा करता है ऐसे गेम्स में। ट्रेविस हेड मानस लबुशेन ने वो रखा उस स्टेज से कि भाई हम निकाल देंगे हम जीत जाएंगे यार, चलेंगे क्या क्या सोचा था सच में, क्या 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 वो था ना तुम मूवी का, क्या क्या ना सोचा था हमने, क्या क्या ना सपने थे सजाए। कोई बात नहीं यार, हर्ट तो होता ही है। अब लोग अगर बात जितना भी कर ले, हर्ट सोचा था इनके साथ सेलिब्रेट करेंगे, नॉर्मल सा हो गया हर्ट ना, मतलब ऐसा जैसे अपने को आदत सी हो गई कि यार हो जाता है ये यार। हमारे यहाँ लोग इतने हैं, कितनी प्राइस पे टिकट्स, कितनी प्राइस पे होटल्स। एक चीज और ये वो मेरे दिमाग में आ गया, ये मैंने सोच रखा था, इस पर खैर मैं लिखूंगा अभी बाद में, अब क्योंकि वर्ल्ड कप ओवर हो गया तो मैंने इसलिए कोशिश करती थी आज, चाहे इंडिया जीतती है जो भी रिजल्ट रहा, मैंने तब ये जरूर करना था भाई। ब्रॉडकास्टर्स आपने भी जो किया है ना वैसे इस पूरे वर्ल्ड कप थ्रू क्या बोले भाई, अब तो हो ही गया। मैं तो अगर चाहे जीतते भी आज तब भी बात करता भाई, आप लोगों को भी अगर आईने में देखकर आपको लगता है कि आप एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप का ब्रॉडकास्ट कर रहे थे या कुछ कर रहे थे तो भाई शर्म ही कर लो भाई। और आपने इंडिया के प्लेयर्स को, अपने प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट किया है, मैं तो साफ ये कहूंगा। आपने इंडिया के परफॉर्मर्स को, इंडिया के परफॉर्मर्स को आपने डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उन जो 15+ सपोर्ट स्टाफ उन पर आप कुछ करते हैं ना, आपने भी बहुत ज्यादा मतलब जिस तरीके की चीजें करी हैं, ढक गए एक ही चीज देखते देखते पूरे वर्ल्ड कप क्या देखो अभी भी तो भाई, भाई नो डाउट विराट कोहली को कुछ अगेंस्ट नहीं है, विराट कोहली के अगेंस्ट हमें ना विराट के अगेंस्ट आपने अच्छा किया, आप चलाओ भाई विराट कोहली को बिल्कुल चलाओ, विराट सीआरपी देंगे सब कुछ है, विराट क्यों करो। आपने कितनी स्टोरीज कर दी मोहम्मद शमी पर, आई थिंक एक दिन कहीं पर हुआ भी कि पूछा गया गौतम गंभीर से कि मोहम्मद शमी पर बहुत कम बात होती है, तो शायद गंभीर ने पूछा कि आप कितना दिखाते हो मोहम्मद शमी को, बिल्कुल तो क्या करा आपने, आप मोहम्मद शमी की स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं है, वर्ल्ड कप इंडिया का भी हो रहा है, आप ऐसे पता है कि विराट को भी आप नेगेटिव कर रहे हो पोर्टर में दिखा, और क्या और विराट नेगेटिव थोड़ी कहा है आके कि मुझे दिखाओ, विराट ने कहा है मैं कह रहा हूं उनको आप दिखाओ, उनका शो दिखाओ, बाकी टीम क्या है यार देख रहे हैं, रोहित शर्मा पर आज की डेट में आप दिखाओगे तो लोग नहीं देखेंगे क्या। आज आप इस इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई मतलब आज से पहले फाइनल से पहले जो बिल्डअप में आपका थ्रू आउट चल रहा था, इंडिया इतनी शानदार क्रिकेट खेल रहा था, आप एक एक प्लेयर पर फीचर करते ना वो हर एक चीज देखी जाती कंज्यूम करी जाती, 15 देश 15 खिलाड़ी करते, हमने भी जितना हमारे पास रिसोर्स है हमने भी कोशिश करी, नो डाउट यार इतना हमें भी पता है क्योंकि इस काम में हमें कि विराट रोहित ये ऐसे प्लेयर्स हैं ऐसे नाम हैं जिनको हम कहते हैं इनसे टीआरपी आती है, कोई वो नहीं चल रहा था यार कि आपको आईपीएल चल रहा है चैनल क्या फ्रेंचाइजी के वो, मैं सीधी सी बात करूं ये चल रहा है वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप जहां इंडिया का झंडा सबसे आगे है भाई, अगर इंडिया का नाम आधे घंटे में बोलता हूँ आपके पास 24 घंटे का स्लॉट है, वो रघु आपके जूतों से आके वो खिलाड़ियों को निकाल रहा था, थ्रो डाउन देते अगर उसको थ्रो डाउन उस पे भी चला दोगे ना तो पब्लिक देखना चाहेगी, पब्लिक को चाहिए ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी, पब्लिक को क्रिकेट चाहिए जो आप लोग नहीं दिखाते हो, साफ सीधी बात है कि आप लोग क्रिकेट नहीं दिखाते हो, इसलिए दुनिया को चाहिए अच्छा क्रिकेट और खिलाड़ियों को देखता है कोई स्काई देखता है कोई पवेलियन देखता है, क्योंकि आप लोग क्रिकेट तो दिखाते ही नहीं हो। आप लोगों ने कितनी बात कर ली मोहम्मद शमी की या रोहित शर्मा की या किसी भी खिलाड़ी की, बुमराह की, इवन जो भी रहे हो यहाँ पर, श्रेयस अय्यर की कहाँ पर किसने बात करी, नहीं हुई ना वहां पर, पर आप यही है कि आप सोचते हो कि ऐसे ही आपने माइंडसेट एक बना ले कि ऐसे ही चल रहा है लोग ऐसे ही देख रहे हैं देख और चलता रहेगा यार, इसमें विराट का थोड़ी कुछ है, विराट ने थोड़ी कहा है, वही चलेगा, विराट ने थोड़ी कहा है कि मुझे ही पूरे, विराट तो सबके देख सब देखना चाहते हैं विराट की परफॉर्मेंस, लेकिन साथ बाई साथ आप यार 20 मिनट अगर विराट को दे रहे हो तो 10 मिनट में सबको दे दो, 15 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो, कुछ तो दे दो। अरे आपने ओवरडू कर दिया। और एक चीज मैं और कह दूं, अगर उनको लग रहा था कि उन्होंने कोई मास्टरपीस शो बनाया, मैंने भाई वो शो पूरा नहीं देखा है, मैंने उसका प्रोमो देखा है, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन काम किया, एटलीस्ट अगर इतना ही बड़ा प्रोजेक्ट था ना आपका और इतना ही वो कोई मतलब ऐसी चीज थी कि जो दुनिया को आप 2400 घंटे भी दिखाने का सोच सकते हो, तो उसका प्रोमो और प्रोडक्शन थोड़ी सी बेटर भी हो सकती थी उस लिहाज से भी, तो थोड़ा इतना ही अगर मास्टरपीस था तो उसको उस लेवल का ट्रीटमेंट देते भी आप कि लगते दुनिया को लगता यार। और जो स्काई की हम बात कर रहे हैं या फॉक्स की, उनकी जो मास्टर क्लास होती है, उनकी जो क्रिकेटिंग आपके फीचर्स होते हैं वो आप देखते हो ना, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, उनसे तो लाख गुना चीजें बेहतर करके देते हो लिमिटेड रिसोर्सेज में, जहां पर बहुत इतनी ज्यादा जान भी नहीं मारते और दिन भर ही वो नहीं चलाते रखते लूप पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ आए हैं, जो एक रूटीन है मेरे ख्याल से, पिछले बार लेते हैं, पिछले बार वो मतलब मुझे याद है द्रविड़ साहब आए थे पिछले बार, उन्होंने बोला कि मैं मतलब उनमें ये होता है कि बुलेट्स सामने से लेना, नहीं वो सही है यार, आज फ्रंट कर रहे हो सकता है लास्ट टाइम फेस कर रहे हो प्रेस को एज अ इंडियन हेड कोच, अपने सीनियर में नो डाउट हम वर्ल्ड कप हार गए, आपकी सर रिस्पेक्ट है एज कोच, हर किसी ने अच्छा किया यार, देखो बात यहां तो आप कोच को तो कभी डोस नहीं, इसमें कोई बिल्कुल, आप देखो कोच का एक
टीम बनाने में होता है, जब फील्ड में चले जाते हो कप्तान का फैसला है वहां पर किस बॉलर को क्या, आज कप्तानी में भी मुझे थोड़ी कमी नजर आई वहां रोहित शर्मा की, और कोच का क्या है कि यार इनके लिए भी तालियां की भाई देखो अब इसके बाद ये शायद इंडियन टीम के कोच ना रहे और इनका कार्यकाल भी खत्म हो गया। अच्छा बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं किया सेठ ने, क्या ऐसा कुछ कहा है कि रोहित शर्मा सबसे अनलकीएस्ट इंसान है ऐसा कुछ, क्या उनकी कैच पर उन्होंने कहा या उनकी परफॉर्मेंस जो रही कि जिस तरीके का कैच मैंने परफॉर्मेंस पे ही बोला, हाँ लक फैक्टर पर ही हो सकता है। एक बार आप अगर दीपक देख लें तो ये मुझे क्योंकि दिखा अभी तो मैंने कहा इस पॉइंट पर, क्योंकि ये आपको ही बताता है कि भाई कि ट्रेविस हेड भी एज एन ओपोनेंट एज अ जो प्लेयर इतना बड़े नॉक खेल कर गए इतने फाइनल में रोल अदा करके गए वो क्या सोच रहा है एक तरीके से जो बोला है, मैं बता देता हूँ पढ़ के क्या क्या कहा है उन्होंने। जी बिल्कुल, उन्होंने जो ट्रेविस हेड बोलकर गए हैं 137 रन बनाने वाले खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच, उन्होंने कहा कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और मतलब कई सालों में मिलेनियर्स में भी तो ये हमारे लिए एक्सपेक्शनल डे है और लॉट बेटर देन सिटिंग ऑन द कॉच एट होम, मतलब कि वही मैं इंजर्ड था और घर पर बैठने से तो अच्छा है कि आकर देख रहे हैं और बहुत बड़ा अच्छा लगा कंट्रीब्यूट करके, और पहली जो 20 बॉल खेली उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मैंने उसके बाद अपने गेम को आगे बढ़ाया। मिचेल मार्श जिस तरीके से आए और उन्होंने गेम को मतलब बढ़ाया आगे, टोन सेट कर दिया उन्होंने वहाँ से, और उन्होंने कहा कि ये इस तरह की एनर्जी थी हम वहाँ चाहते थे, विकेट थोड़ा सा था मुश्किल लेकिन इसी तरीके की एनर्जी हम चाहते थे, और टॉस को बड़ा अच्छा बताया उन्होंने फैसला पैट कमिंस का कि ग्रेट डिसीजन था जो हमने वहाँ पर पहले बॉलिंग की, और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा हमने देखा कि विकेट बेहतर ही होता गया और थोड़ा बहुत स्पिन भी था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस तरीके का रोल प्ले के बहुत अच्छा। अब रोहित शर्मा के बारे में बात करें, उन्होंने कहा इज रोहित शर्मा प्रॉबली द अनलकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अगेन इट्स फील्डिंग समथिंग डेट आई वर्क हार्ड ऑन, आई कुडंट इमेजिन गेटिंग 100, मतलब उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के अनलकीएस्ट मैन है उनको लग रहा है, और बाकी बस यही एक लाइन बोली अभी आगे मैं करता हूँ। उन्होंने अपनी फील्डिंग की बात की ठीक उसके बाद तो आई थिंक वो कैच पर ही होगा, उन्होंने जस्ट उसके बाद कहा कि इट्स फील्डिंग समथिंग दैट आई वर्क हार्ड ऑन, आई थिंक फील्डिंग के ऊपर ही बात कर रहे हैं वो, और कैच जो उन्होंने ही लिया था रोहित शर्मा का तो उन्होंने कहा कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता था ये 100, तो वो कैच बहुत अच्छा लगा पकड़कर उसके बाद मैंने की। और अगर आप अपने टीम के खिलाड़ियों के साथ देखो आपके साथ इतने बड़े स्टेज पर इतना बड़ा फुल हाउस है पूरा सामने वाली टीम के इतने सारे लोग हैं वहां पर, लेकिन आप अपने टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हो तो बेस्ट है। और साथ ही उन्होंने कहा कि फाइनल में सेंचुरी लगाई है रिकी पॉन्टिंग एडम गिलक्रिस्ट और अब ट्रेविस हेड मेरा नाम आ गया तो इस लिस्ट में मैं तीसरा हो गया तो बढ़िया हुआ है, इस लिस्ट को मैंने ज्वाइन किया और बड़ा अच्छा लग रहा है कंट्रीब्यूट करके। मैं बस आई विल जस्ट टेल द बॉयज दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द रीयूनियन, आई थिंक वो सभी टीमों के साथ रीयूनियन जो वर्ल्ड कप जीते हैं मुझे लगता है उनकी ही बात कर रहा हूं, लेकिन वो कैच को लेकर भी अलग ही कहा। और यार मतलब क्या गए ट्रेविस हेड तो अब वही है ना, मतलब सब कुछ छीन के ले गए आप। सवाल पे लेते हैं फिर चलते हैं और क्यों। सौविक जी कह रहे हैं वी प्लेड द टूर्नामेंट अंडर अ सेट गेम प्लान बट इन द फाइनल समवन डिसाइडेड टू नेग्लेक्ट दैट गेम प्लान फॉर होम स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड। वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट यार, बट स्ट्राइक रेट की बात देखो आज के मैच में दरअसल हुआ ये भी है, आप उसको उतना क्रिटिकली देखो जिस दिन हमने साफ तौर पर कहा था जब विराट कोहली का एक दिन शतक भी आया था और हम लोगों ने बड़ा उस दिन बात भी करी थी, और उस दिन क्योंकि इंडिया बाद में जो है बड़ा कंफर्टेबली जीत गया तो लोगों ने बोला कि अब देख लो तुम लोग बड़ी बड़ी बातें ये है वो है, हमें भी यार थोड़ा बहुत ना गेम देखना समझना मैं मानता हूँ कि आता है। उस दिन इससे बात करी थी कि इनिंग्स प्रोग्रेशन नाम की एक चीज होती है, आज अगर ट्रेविस हेड और मानस दबुशेन दोनों एक तरीके से खेलते ना तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच हारता, वो ऑल आउट होते उस तरीके से। सिमिलरली उस दिन ये बात होती कि थोड़ा सा बेटर पेस करना था, आज के जो गेम में चीज हुई है जब जब आया था मोमेंट प्रेस करने का इंडिया की बैटिंग करते हुए तब क्या हुआ, विकेटें गिर गई वहां पर रोहित श्रेयस उधर बहुत, फिर विराट गेंदबाजी की, फिर आपके केएल राहुल, तो आप उनको भी आपको यार कभी कभी ना सामने वालों को यू जस्ट हैव टू सल्यूट देम कि आज आपने जो कर दिखाया है, अगर आज की डेट में जिस इंडियन टीम की हम इतनी तारीफ कर रहे हैं इतनी बात कर रही हैं उसको कोई हरा कर गया है ना फाइनल में वन साइडेड, तो आप उसने क्या क्रिकेट खेली ये भी सोचो। 30 रन 40 रन फील्डिंग से रोके, हाँ 11 से पावर प्ले के बाद 11 से लेके 35 ओवर तक उनकी गेंदबाजी देखो, इवन बोलता हूँ लास्ट तक देखो, बहुत डिसिप्लिन काम किया भाई आज, बहुत डिसिप्लिन। और कैप्टन पैट कमिंस वो लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला काम कर गया, कैप्टन ने पैट कमिंस ने आज जो जितनी उनसे शायद शिकायतें थी पूरी दुनिया की सब कुछ था वो आज आपने यार यही होता है आप द मोमेंट चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत जाते हो फिर क्या आपको कोई बोलेगा आपने पहले क्या किया क्या नहीं किया सब वो बराबर है।
सौविक जी का सवाल हो गया था, विर्क साहब कह रहे हैं सॉरी अगर आप सब गुस्सा लगे लेकिन गंभीर और कैफ एक दो और कमेंट्री में खुशी मनाने की जगह अपने एजेंडा चला रहे थे कि कौन स्लो खेला कौन तेज। यार हमने सुना नहीं उस पर, तो हम उस पर दुनिया ना एक चीज लाइफ में विर्क साहब, दुनिया ना सब जानती है कौन अच्छा बोलता है कौन किसके लिए बुरा बोलता है कौन क्या। अब दुनिया बहुत सही हो गई यार, अब कोई किसी की बातों में नहीं आता, अब लोग सब समझते हैं। ये आप लोगों पर है कौन किसको क्या बोलता है, किसी को गलत दिखाता है किसी को अच्छा दिखाता है किसी को, सब पता आप लोगों को यार आज के डेट पे। विराट कोहली कह रहे हैं मैंने कल ही कहा था विराट की विकेट डिफरेंस बनाती है हमेशा, रोहित कैप्टेंसी नॉट अप टू द मार्क नो स्लिप, अगर विराट 100 मार देते तो स्कोर 300 होता। क्या देखो विराट का विकेट भी रोहित का विकेट भी दोनों डिफरेंस बनाती है। ठीक है ये था कि आज जो मुझे थोड़ा सा लगा देखे टू बी ऑनेस्ट थोड़ा शायद ये हार्ड लग सकता है कि बड़ा प्लानिंग के साथ स्टार्क ने हमारे शुभमन गिल को आउट किया और बड़ा ही प्लानिंग के साथ अय्यर को आउट किया, तो आई थिंक ना वो उनको ये पता था कि इन दोनों को निपटा दो बड़े विकेट आज रोहित हमारे। तो रोहित और विराट आज इंडिया के जब जब बीच के ओवर्स में बैटिंग करी है विराट और श्रेयस ने भी करी ना उस दौरान, तो उसमें श्रेयस एक टेम्पो सेट करते थे, विराट इंश्योर करते थे कि वो आखिर तक जाना है ज्यादा नुकसान खत्म कर दिया। तो आज वो टेम्पो उस तरीके से पेस नहीं हुई इनिंग्स, वो आप दोनों एंड से थोड़ा सा फंस गए जो उस टाइम आपको लगा कि अब मोमेंट आएगा, द मोमेंट वो मोमेंट आया आप वहां पर भी विकेट गिर गई। और ऑस्ट्रेलिया ने भी ना बड़ी चालाकी से मतलब वो चेंजेस करे उस उन मोमेंट्स पे, उनको ये पहले से अंदाजा होगा कि भाई अब 40 ओवर हो गए तो इंडिया अटैक करने की सोचेगा, उसी टाइम पे वो बॉलिंग चेंज करके अपने बेस्ट बॉलर को ले आया और उसने विकेट गिराई। एक है एनोनिमस वो कह रहा है स्केप कोट केएल राहुल इफ ही वाजंट देयर 200 नो पोक, मतलब ये क्या कह रही है, वो कह रहे हैं कि फिर से केएल बन गए हैं। अच्छा वो ऐसा नहीं है, रिपोर्ट बनाया जा रहा है अगर वो खेलते नहीं तो 200 रन भी मुश्किल से बनते। एक बार सही बात है, आज मैं इस बात पे एक बात बोलता हूं, इंग्लैंड वाला गेम हम खेले थे लखनऊ पे, जिस हिसाब से रोहित शर्मा आके स्टार्ट करते थे, रोहित शर्मा देखा विकेट गिर गया, रोहित शर्मा ने अपना वो गेम चेंज किया और जिम्मेदारी वाली भूमिका में आ गए, और जब वो जिम्मेदारी वाली भूमिका में आ गए उन्होंने 87 रन समथिंग बनाए थे और इंडिया का स्कोर 230 ही था भाइयों। भाई केएल राहुल थे वहां पर नहीं, स्केप गोट क्या रोहित शर्मा को बना दे उस दिन मैच के लिए, किसी को भी आज आप स्केप गोट बना दे, मैं बोल दूं कि अगर मुझे ये हो किसी को टारगेट ही करना हो, रोहित शर्मा को क्या जरूरत थी, टीम में कोई कमी नहीं थी, चौका मार दिया उसके बाद क्या जरूरत ने, वो मोदी खराब हो गया भाई सिचुएशन उस वक्त की। देखो हम ये बात जरूर हमने उस दिन जब कही थी यार, तो अगर उस दिन बात कही तो वो क्रिटिसिज्म आपने किया ठीक है वो लिया भी, बट आज आपको गेंद की सिचुएशन भी देखनी थी। हम बार बार कह रहे हैं कि आपकी गलती हुई है कि जो विकेट की टाइमिंग सही है, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट है, ऐसा नहीं है कोई रैश शॉट खेल कर आउट हो गया है, आप ऐसे नहीं बात करोगे कोई विकेट फेंक कर क्या कोई गया है, मतलब किसी को भी आप पकड़ लो उनमें से नहीं। शायद अगर आपको बहुत ज्यादा कहना होगा आप शुभमन के लिए शायद कह सकते हो कि भाई शुभमन को उस टाइम जरूरत क्या थी, वहां पर वो शॉट खेल दी, रोहित शर्मा का एक किरदार है अलग से वो खेली रहे, तो जो उन्होंने खुद भी कहा था कि यार 10-12 ओवर तो मुझे कुछ करना नहीं होता तो आप सिंगल डबल खेलते सिंगल डबल खेलते, बट देन भाई यहीं पर सेपरेट होता है कि थ्योरी जो हम बात करते हैं यहां और जो ग्राउंड में एग्जीक्यूट करनी होती है वो उन क्रिकेटर्स के लिए भी उतना ही मुश्किल है कि आप बात जो कर लो और वो एग्जीक्यूट करना हो तो जमीन आसमान का फर्क रहता है यहां पर। डीएस मार्केटिंग कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, हमने 10 मैचेस जीते 11 में से, 2024 का T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी है, वो कह रहे हैं कि चेयर अप हो जाओ एवरीवन, 2 मंथ्स अगो हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह की डोमिनेंस रहेगी, कीप सपोर्टिंग कीप शोइंग रिस्पेक्ट टू गुड क्रिकेट। थैंक यू ब्रदर डीएस मार्केटिंग, यार अच्छी बात, वो क्या कहते हैं कि दिल बहलाने के लिए यार फिर भी बिचारा अच्छा है, पॉजिटिव बातें कर रहा है। कल परसों को एक डिस्कशन हुआ था ना जब हम कह रहे थे कि अगर बताओ ऐसा हो जाएगा तो कौन खुश रहेगा, आज कौन खुश है, अच्छा बेट सही बात। आज जो भी आपने क्रिकेट खेली तमाम रिकॉर्ड्स रन्स बनाए हमने विकेट ली, बाइकर जी है वो कह रहे वेड और लबुशेन को इतना फ्री सिंगल दिया, वेड कहां से आ गया यार आज, लबुशेन और हेड कहना चाहते हैं हेड मैथ्यू वेड यार वो अलग आदमी है, तो 50 पार्टनरशिप कब लगा पता ही नहीं चला, वही मैच निकल गया, कैप्टेंसी आज यार थोड़ा सा ना मतलब ये है कि ड्यू जब गिरा ना थोड़ा चीजें आसान हो गई, तो मतलब ये मानना है कि पहले बैटिंग और सेकंड बैटिंग में थोड़ा फर्क था, ये तो था, उसके बाद देखो ना कितना सीधा विकेट जा रहा था ये। संदीप कुमार जी कह रहे हैं व्हाई इंडिया चूज स्लो विकेट, हाँ ये सवाल आप कह सकते हो, इंस्टेड ऑफ गुड फ्लैट बैटिंग विकेट ओनली अ टीम विच डाउट्स इट्स एबिलिटी गोज फॉर सेफर ऑप्शन, बट इट बुराई कर रहे हैं तो इनको गुड फ्लैट बैटिंग विकेट भी नहीं लिखना चाहिए था, गुड विकेट लिख के आप काम चला सकते थे, तो आप सिर्फ रन बनवाते अगर देखना चाहते हैं तो वो भी गलत है, आप एक स्पोर्टिंग विकेट पिक करो जहां गेंदबाजों के लिए। धर्मशाला का कितना विकेट रहा था, धर्मशाला में बढ़िया विकेट रहा था, इवन इंडिया पाकिस्तान जिस विकेट पर जिसको आईसीसी ने एवरेज या कुछ दे दिया था, वो विकेट ऐसा नहीं था कि बहुत फेवर में किसी बल्लेबाज के, एक तो उन लोगों की विकेट की रीडिंग पता नहीं क्या है, उसको एवरेज या कुछ दे रहा है, जिसपे राहुल द्रविड़ भी गुस्सा हुए थे
जो सही गुस्सा यार, एक तो वो हल्ला भी मना दिया इतना। और यार देखो ये जो आप अनीस जो आज आपने भेजा ना, ये भेजने की जरूरत नहीं थी, नो डाउट। अगर कोई अच्छा नहीं कर पाया, चाहे वो विराट अच्छा नहीं कर पाया, चाहे वो रोहित अच्छा नहीं कर पाए, पर ये सबको पता है कि धोनी एक अच्छे कप्तान रहे हैं, तो ये आज जो आप भेज रहे हो धोनी इज बेटर कैप्टन, ऑल दिस डिबेट जो आपकी भी, तो ये नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, सबको पता है। ये लोगों को ना फिर वही वाली बात है, आप लोग डिवाइड करते रहते हो यार इंडिया को, ये सब मत करो यार। एम एस धोनी की ग्रेटनेस पर कोई नहीं है, बट आज सही वक्त नहीं है। बुमराह की जोड़ी नहीं तोड़नी चाहिए थी, सिराज ने अच्छा किया था, कम से कम उसे शमी के बाद ले आते, पर स्पिन बहुत जल्दी आ गई। यार देखो आप कह रहे हो जय महावर जी, कई लोग तो बोल रहे सिराज को बाहर भी कर दो। नहीं नहीं, स्पिन का देखो आज अगर आप ये भी सोचो, स्पिन का डर ये भी था ना कि बाद में ड्यू ना हो। और ड्यू मतलब देखो आज एक ये भी आपको बता दूं कि ड्यू ऐसा नहीं कि बहुत ड्यू गिर गया, बट आपने जो देखा होगा विकेट पर बॉल देखो आप, मुझे जडेजा का एक वो जो मैं कह रहा हूँ ट्रेविस हेड का लगा था, एज स्लिप पे गया था, बॉल सीधा ही आ रहा था, स्किड हो रहा था, बस टर्न वगैरह ग्रिप थी नहीं विकेट में, तो इससे वो आराम आराम से खेलते गए, कुछ हुआ नहीं। ये भी एक वजह रही थी कि आपने स्पिनर्स पहले इंट्रोड्यूस कर दिए कि जल्दी चलो कर दो, शमी को आप इसलिए लाए क्योंकि आपको थोड़ा पैनिक आपने किया, विकेट आपको मिली शमी के उसके थ्रू ही मिली, बट आपका ये पैनिक था कि भाई शमी हमारा विकेट निकाल कर दे रहा है, तो पहले लगाओ, इनकी ऊपर से विकेट निकालनी है, जो हर एक बंदा चाहता था कि वार्नर और हेड में से पहले तो एक आउट हो कोई, वो आपको इसलिए उन्होंने लगाया। और फिर स्पिनर को लाने की वजह ही रही हुई कि ड्यू को देखते हुए कि भाई बाद में ना आ जाए, तो थोड़ा सा कुछ ओवर्स आप निकाल लो पहले, बट देन उसका भी बहुत ज्यादा कुछ आपको आप एट द एंड में आप देखोगे रिजल्ट तो कोई बहुत कुछ फायदा नहीं हुआ है। और सिराज को कहां पर कैसे इस्तेमाल करना था, ठीक है अब ये चीजें तो निकल कर आएंगी जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया है। शिकेब कह रहे हैं 100 रन्स इन फाइनल्स आर बेटर देन 1000 रन्स इन ग्रुप मैचेस और बेटर देन एनी पर्सनल माइलस्टोन, बेटर टीम वन टुडे, दे डिड देयर होमवर्क, दैट दे प्लेड बेटर गेम टुडे, दैट्स इट। बट इफ यू आर टेलिंग कि वो किसी का इम्पैक्ट, किसी का रन्स, किसी के विकेट्स की वैल्यू नहीं, तो आई डोंट। भाई यहाँ तक कैसे पहुंचे हो आप, बिना उनके रन्स के पहुंचे, रूथलेस क्रिकेट खेल के पहुंची थी। और कोई यहाँ पर अपने लिए आपको आज अगर लग रहा है कि, देखो आज अब वो ये कि अपना ढोल अगर पीटना है किसी को भी, तो किसी तरीके से भी अपने को माइलेज लेने की कोशिश कर सकता है कि देखो ये है वो है इसका फर्क उसका फर्क, ट्रेविस हेड का 100 देख लो। नहीं बात वही है, लोग कहते हैं कि लीग मुकाबले के रन मैटर नहीं करते, देखो लीग में अच्छा करोगे तभी तो आप फाइनल पहुंचोगे, आप लीग में ही नहीं अच्छा करोगे बाहर अगर श्रीलंका वाले मैच में उस दिन वहां पर वो ज़ैम्पा का स्पेल या उनके फास्ट बॉलर्स वापसी ना कराते तो ऑस्ट्रेलिया यही नहीं पहुंच पाती। वही तो कह रहा हूं, पहुंच पहुंच वो 200 की इनिंग हटा दो, चलो वो श्योर हो गए थे कि पहुंच जाएंगे, नहीं मतलब श्रीलंका वाले में तो ऐसा था कि घबराहट हो गई। वही कह रहा हूँ की पैट कमिंस से पूछा गया बकायदा उस दिन की श्रीलंका वाला दिन याद करो, मधुशंका ने कर दिया था ना उस दिन, इवन पहले रन उनके बड़े ज्यादा रन भी लग गए थे, वो 100-120 पर आउट हुआ था उनका पहला बंदा, तो वही कह रहा हूँ तो बात वही है कि जिस दिन हाँ पा रहे उस दिन बात करो। अब पीछे यार हम सोचे कि भाई पहले बरसात नहीं आती तो फिर ऐसा होता वैसा होता, यार आप बहुत अच्छा खेले ठीक है, लेकिन जब इंपॉर्टेंट था जिस दिन आखिरी दिन आपको जरूरत थी उस दिन अच्छा नहीं खेले, सीधी बात है यार। ऑन द डे साफ सीधी बात है कि अगर आप ऑन द डे पूछो ऑस्ट्रेलिया ने फार सुपीरियर क्रिकेट खेली है, वो ग्राउंड से बाहर से शुरू होती है पिच रीड करने के बाद से लेकर मैच खत्म करने तक, बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप देखो उतना ही बड़ा फासला इंडिया, जितना बड़ा फासला आज के दिन पर है दोनों टीमों के बीच उतना ही पूरे टूर्नामेंट में रहा है। सही बात तो है। अब जिसने रन करे भाई वो टीम के ही खाते में जुड़े, वहां से आप जीते हो हर किसी के रन, चाहे वो श्रेयस के रहे, रोहित के रहे, विराट के रहे, सबने टीम कलेक्टिव एफर्ट दिया। जो हो गया देखो सेमीफाइनल भी अब बड़ा ही मैच था ना, ऐसे तो फिर आप कह दो कि सेमीफाइनल के रन भी मैटर नहीं करते यार, हम लोगों से ज्यादा बुरा तो उनको आपको दिखे भी ना कुछ कुछ विजुअल्स, केएल राहुल कैसे वहां यार, सबको दुख होता है, सिराज अलग, सबको हमको भी दुख है उनको, वो तो खुद खेल रहे हैं यार, मैं कह रहा हूँ उनका तो करियर है ना, हमारा भी चलो एक लेवल पर ये करियर ही, हम तो गांव का आदमी शहर का आदमी हर कोई जो जुड़ा होता है इस स्पोर्ट से वो चाहता है, पर वही है कि अपने प्लेयर को इस देखो पिछले वर्ल्ड कप में क्रिटिसाइज किया होगा, उससे पहले क्रिटिसाइज किया होगा, लिटरली मेरे से आज पूछो मेरे पास इस टीम को क्रिटिसाइज करने के लिए एक वर्ड नहीं है दोस्तों, नहीं यार है। मेरे लिए उल्टा प्यार आ रहा है अपनी टीम के ऊपर कि यार मैं इनके लिए ना हमदर्दी है, सपोर्ट है कि कोई नहीं, मैं पहला फैन हूंगा जो आपको आपके दुख में दुख बांटूंगा और सपोर्ट करूंगा। क्यों हो रहा है दीपक, क्योंकि आप उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद किस लिए कर रहे थे, क्योंकि इन खिलाड़ियों ने अच्छा करा था तो उम्मीद भी बनाने वाली, मुझे लग रहा था मेरे घर की ट्रॉफी है यार, मेरी ट्रॉफी है ये, मैं लेके मैंने पकड़ ली है ट्रॉफी, और यार एक फैक्ट ये भी है कि जो हम बात कर रहे हैं लगातार, सिंपल पॉइंट ये है कि अगर इंडियन टीम इस पोटेंशियल पर इस तरीके क्रिकेट खेलने के बाद भी नहीं जीती है तो भाई आप मतलब क्या ही इससे ऊपर की क्रिकेट, हाँ फाइनल का दिन हटा दो इसके, और फाइनल पे यार देखो इसीलिए ये नॉकआउट जो होता है ना, नॉकआउट मैच, फाइनल मैच, सेमीफाइनल मैच, उस दिन वो पीछे रह जाता है लीग स्टेज की हिस्ट्री,
वो खत्म हो जाते हैं। रोहित शर्मा जानते हैं इस बात को, उन्होंने बोला भी था ना कि भाई मैं सारे मैच जीत रहा हूँ, एक मैच नहीं जीतूंगा तो आप लोग मेरे को बोलोगे, और जो बोलेंगे यार वो प्लीज अपने आप से पूछो कि इस टीम ने कुछ गलत किया है क्या। इस टीम ने कुछ गलत नहीं किया, पर आज पर्टिकुलर डे पर हम आकर नहीं कर पाए, अच्छा ये कमी है। और आई थिंक हम जो चीज कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना अपने अंदर, इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ, हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर कमी क्या है, अदरवाइज हमारे अंदर सब कुछ बेहतर है। हम चाह कर भी अपने अंदर की कमी नहीं ढूंढ पा रहे। महेंद्र सिंह धोनी की भी बात होती है यार, महेंद्र सिंह धोनी का ठीक है बहुत बड़े कप्तान थे यार, 3 उन्होंने ट्रॉफी जिताई, लेकिन धोनी जिंदगी भर कप्तानी नहीं करेंगे ना भाई, एक टाइम पे आपको ढूंढना पड़ता है यार। देखो पहले विराट कप्तानी से हटाए गए, रोहित आए, और देखो कमियों की जहां तक बात है वो समहाउ एक ही चीज अब है कि जैसे हम कहते हैं नॉकआउट्स का हो जाए, एक बड़े दिन पर उस तरीके से टर्न अप नहीं होता है। और अब पहले बैटिंग बैच देखो, साफ सीधी बात है जो भी अच्छी क्रिकेट खेली अपनी जगह है, बट आज का असेसमेंट भी अपनी जगह है। आपने बैटिंग अच्छी करी, बोलिंग बहुत अच्छी आज की कमी की, बोलिंग बहुत अच्छी आज करी थी बैटिंग में, बट आपको ये भी निकाल कर देखना पड़ेगा कि जो साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हारे, वहां पे दोनों टेस्ट मैचेस में ठीक ठाक रन होने के बावजूद बोर्ड पर हम क्यों नहीं विकेट ले पाए, मैं तो वही बात कर रहा हूं, इंग्लैंड में क्यों नहीं विकेट ले पाए, T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से क्यों 172 रन हुए थे जीरो पर, 3 पॉइंट आज क्यों, बल्लेबाजों की बात तो कर देते हैं, बड़े मैचों का इस मैच की 2 पॉइंट सबसे बड़े, आप पहले 10 ओवर में खेले 8 के रन रेट से, उसके बाद आप 40 ओवर खेले 4 के रन रेट से, पहले आपने बनाए 80 रन पहले 10 ओवर में और फिर पूरे मैच में बनाए सिर्फ 160 रन, 40 ओवर में 160 रन, सबसे बड़ा फेलियर वो। दूसरा फिर आपने 47 पर 3 करके पहले 10 ओवर में आपने कमाल की बॉलिंग की, उसके बाद आपने 200 रन की पार्टनरशिप करवा दी यार, मतलब बॉलिंग का इतना बड़ा फेलियर, जो हमारी बॉलिंग मतलब किनको, श्रीलंका को 50-51 रन पे, फिर श्रीलंका को 50-57 रन पर, साउथ अफ्रीका को 83 रन, उस टीम से हम ये देख रहे हैं कि 200 रन की पार्टनरशिप करवा दी, मतलब यार आप उस दिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हम प्रेशर में थे लेकिन लगता था कि यार ये बॉलिंग ना, और उसके बाद इंडियन टीम ने ऐसा नहीं कि मैच को बहुत क्लोज पहुंचाया, इंडियन टीम ने फिनिश कर दिया, तो हमें आज भी यही उम्मीद थी कि बस एक विकेट आएगा और हम फिनिश कर देंगे, और वो एक विकेट ही दिया। आज आप देखो जो भी कह लो, जितनी चीज कर लो, जितनी बातें कर लो, वही बातें, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, ऑस्ट्रेलिया ने जो क्रिकेट खेली है आज, आज सिंपल सी बात है कि आज ट्रॉफी जीतने वाली एक ही टीम थी जो ट्रॉफी लेकर चली गई है, उनका हक था वही थी, आप उनके आसपास नहीं थे, वो हमसे बहुत आगे है मनोज भाई, चाहे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उठा लो, ट्रेविस हेड जैसी बैटिंग कोई नहीं करा, ठीक है शायद राहुल जो रोहित शर्मा की हम बात करें कि उनकी इनिंग से आती, बट वो कैच भी ट्रेविस हेड नहीं लिया, उनके लेवल की बॉलिंग कंडीशंस का भी फर्क है, बट इंडिया के इसी बॉलिंग अटैक में आई थिंक कोई ना ट्रेविस हेड का नाम जीवन में भूलेगा नहीं कभी, ये बात आप रख रहे हैं, आप क्रिकेट कितना ही कह ले अभी मरते दम तक नहीं, वो हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट हो गए भाई, अब तो हमारे लिए अब क्या बात करेंगे उनके लिए, वो WTC का फाइनल अकेले जिता के वहां पर उस दिन जैसे नॉक खेले, आज आप वर्ल्ड कप फाइनल, भाई नॉक तो रही नॉक, वो कैच क्या ले लिया उन्होंने, वो कैच नहीं, आधा की टीम को देश आधा और ट्रेविस हेड को आप भूलोगे नहीं कभी भाई, उस कैच के बाद आप रिकवरी मोड में चले गए ना कि भाई अभी हमें रिकवर करना है, मेरे ख्याल से 8 का रेट था, और वो रोहित शर्मा जो स्टार्ट देकर गए थे मेरे को जहां तक याद है 19वें 20वें ओवर तक हम 6.5 का रन रेट था, हम शायद 25वें 28वें ओवर में जाकर 6 से कम आया था रन रेट, और उसके बाद सोचो कितना गिरा है, 80 रन थे हमारे, 80 या कितना एग्जैक्ट 80 तो 10 में, अगले जो दो आए पीरियड 10-10 हम बात कर रहे होते थे, रोहित शर्मा इतने बनाकर देते हैं आपको कि अगले 20 ओवर भी आप आराम से खेलो, तो रोहित शर्मा ने इतने बनाकर दिए 10 में 80, अगले 20 में 72 रन थे शायद 35 और 37, तो अगले 20 के 72 रन थे जो कि इस 10 से कम थे, फिर भी तो दोनों को मिला के वो, और कौन बैटिंग कर रहा था, विराट कोहली, कौन बैटिंग कर रहे थे उनके साथ, केएल राहुल, ऐसे नहीं कि हम बोले कोई हल्के बल्लेबाज थे कुछ थे, तो दैट मींस उस टीम ने जो एफर्ट लगाया है उन्होंने कम से कम, नहीं तो भाई 30 रन तो फील्डिंग में रोके, कम से कम आप जितना भी कम देना चाहो 30 रन उन्होंने फील्डिंग में, और रोहित शर्मा के विकेट लेने के बाद ना उनके सेलिब्रेशन से नजर आ गया था कि वो मैक्सवेल का जो था सेलिब्रेशन, एक ही विकेट आई है उनके स्पिन को आज, बाद में जैम्पा ने बुमराह को क्या फर्क पड़ता, बट वो विकेट आ गई, रोहित कहेंगे एक छक्का भी खा लिया क्या फर्क, छक्का खाया चौका खाया उसके बाद जो है वो अगले पे आउट कर गए। DBZ वो कह रहे हैं कि डायरेक्शनर हैं, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाज डेफिनेटली द बेटर टीम, क्लियरली दे नो हाउ टू विन दोज बिग गेम्स वेयर अदर्स डोंट, वी वुड हैव वन इफ इट वाज अगेंस्ट एनी अदर टीम, बट इट्स जस्ट देयर विनिंग माइंडसेट, वो कह रहे हैं कि उनके विनिंग माइंडसेट को क्रेडिट जाता है काफी हद तक, ठीक है यार आज वो क्रिकेट ही ऐसे खेले जैसा भी माइंडसेट था उनका यार आज, वो मतलब टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा लग रही थी कि वो अलग सा है, वो फील्डिंग में देखो मतलब कहां से कूदे, उन्होंने ट्वीट किया था
मैडी ने किया था अपने माधवन माधवन ने माधवन ने ट्वीट किया था ऐसे अपने बैठे थे कई बार मीम्स वाले मजाक वाले उन्होंने लिखा यार ऐसा लग रहा है ये मैदान पे जहां फील्डर है मतलब 40 साल इस फील्डर है आपको गैप्स मिले यार देखो एक विकेट कीपर जहां बॉल जा रही एक बॉलर इसमें दो चीजों की मास्टरी है एक आपकी कितना आप एज पर प्लान बॉल कर रहे हो कि जो शॉट जा रहा है आउटफील्ड में वो फील्डर के पास जा रहा है या फील्डर दो रन पे रोक रहा है इसमें बॉलर्स की वही मैं कह रहा हूँ कि एज पर फील्ड बॉलिंग चल रही है और आपके फील्डर्स आपको यार आपके फील्डिंग ने जो एनर्जी इतनी डाली आपको चढ़ा के रखा प्रेशर बढ़ाया ना आपको गलत शॉट खेलने पर मजबूर भी किया है आपको कि भाई हर एम टाइम पे आपने विकेट्स खोए हैं जब लगा कि अब हम थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे कोई ऐसा आउट नहीं हुआ है जो हम उसके बाद विकेटों की बात करेंगे कोई रैश शॉट हम बोल दें रैश शॉट नहीं था कोई कि आप दबाव में आकर घुमा दिया और मारो आप कोशिश वही करते कोई बात नहीं ये टैकल करते हैं ये टैकल करते हैं आज आपको यू हैव टू गिव इट टू देम जो उन्होंने बॉलिंग फील्डिंग स्ट्रेटेजिकली जो एक एक चीज वो लेकर आए थे पिंटू जी कह रहे हैं आज बहुत दर्द हो रहा है ये दर्द कब खत्म होगा आज गिल अय्यर सूर्या ने धोखा दिया सिराज सिंह और शमी सीम के बॉलर हैं तो सिराज को इतना लेट लाना समझ नहीं आता बड़े दर्द में नजर आ रहे हैं हमारे भाई पिंटू भाई समझ सकते हैं पिंटू देखो सिराज और शमी में स्विंग सीम है लाना ना लाना उसको उतना साइंटिफिकली मत सोचिए वो डिसीजन जो आपने किया ठीक है बट वो थोड़ा सा आपने ये हिंट दिया कि कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा घबरा गए हो कि मतलब आपको लग रहा है कि चीजें इधर उधर निकल सकती हैं तुषार जी कह रहे हैं रोहित शर्मा क्राइंग वो कह रहे हैं रोहित रो रहे थे हार्ट ब्रेक वो रो रहे थे हम सर सब खत्म हो गया वो कह रहे हैं कि रिचर्ड कैटलब्रो जो है अनलकी साबित हुए इंडिया के लिए फिर से ऐसा नहीं है यार जिस दिन रिचर्ड कैटलब्रो पर भी कब तक रहेगा यार ये बिना ऐसा नहीं होता यार लेकिन मैं सब पे इतना वो नहीं करता नो डाउट मैंने वो वीडियो करके बताया था बट आई डोंट बिलीव इन दिस मैं हां खेलने में बिलीव करता यार रिचर्ड कैटलब्रो थोड़ी हरा दे रहे हैं एक बंदा पूरी टीम को हरा दे रहा है वसीम अमान अमन जी हैं अमान जी हैं वो कह रहे हैं कि आंसर माय क्वेश्चन हमें होम कंडीशन का क्या फ़ायदा हुआ वो कह रहे हैं एक नाम के लिए पूरे इंडिया को डुबा दिया ये मैच कोई दूसरे स्टेडियम में डिजर्व करता जो स्टेडियम हमें फेवर करता शेम ये मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं बट जहां तक गेम की बात करें तो फाइनल तो इसी ग्राउंड पर होना था भाई इतना बड़ा स्टेडियम तो पहले है, से है और इसमें किसी आप ये मत सोचिए कुछ यहाँ तो आप पिच पर जरूर बात कर सकते हैं कि भाई सरफेस जो आपको देखने को मिला क्या वाज इट वर्दी ऑफ अ वर्ल्ड कप फाइनल आई डोंट थिंक यहाँ पर बड़े जो भी हम लोग बैठे हैं इस रूम में सारे के सारे कोई अग्री करेगा कि एक वर्ल्ड कप फाइनल जैसे इवेंट के लिए ऐसा सरफेस आपने तैयार किसी और काम के लिए करवाया था बट काम आपका ही हो गया आज फिर यही चीज हुई आपके साथ पवन विश्वकर्मा जी कह रहे हैं गाइस यू वर डिफेंडिंग केएल इनिंग्स 66 ऑफ 107 स्टिल डिफेंडिंग यार मैं तो अपनी अभी भी उस बात पे हूं क्योंकि जिस हिसाब से डिसिप्लिन गेम भाई अभी किसी ने सवाल किया था ना कि अगर केएल राहुल की ये इनिंग नहीं होती तो शायद इंडिया मुझे बता दो एक मिनट जो ये बोल रहे सूर्य कुमार यादव आए तो थे आज तो सूर्य कुमार यादव को हमने चलो ओवरऑल टीम को सपोर्ट करने के चक्कर में भाई आप शॉट सिलेक्शन देखो आप यार ऐसे सरफेस पर इतना समझ में फिर वही आप बोलोगे कि आपने कौन सी बैटिंग कर ली जिस सरफेस पर बॉल विकेट से आ नहीं रहा है अच्छा सामने वाली टीम कटर्स मार रही है स्लो रन्स आप लगे हुए हो कि पेस यूज करके मुझे पीछे फेंकना है ये कौन सी क्रिकेटिंग सेंस है यार इतनी क्रिकेट तो आपको समझ होनी चाहिए वहां पर आप अगर कुछ कर सकते थे तो आपको पावर गेम आगे दिखानी है आप सोच रहे पेस यूज का और उन्होंने दोनों फील्डर अपने फाइन फाइन डाल रखे थर्ड मैन फाइनल एक बॉल गई भी थी थर्ड मैन पर उनका फील्डर मौजूद था वहां पर तो वो क्रिकेट जो शॉट है वहां पर ऑन थी नहीं यहां पर निशांत राघव को हो निशांत जी आए वो कह रहे कि आज हार गए बट आज दीपक भाई को बता दिया था ऑस्ट्रेलिया चेज करेगी तो जीत जाएगी बट व्हाट अ वर्ल्ड कप फॉर मी उनके लिए एक बड़ा शानदार एक ये कैंपेन रहा 39 मैच जीते जिसमें से 9 मैच वो हारे मन नहीं था आज इंडिया लेने का बट क्या करें मैं तो इंडियन हूं तो कह रहे कि आज उनको अंदर से आवाज तो कुछ और आ रही थी बट हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी कोई बात नहीं निशांत जी आपके लिए वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा रहा पर वही ना आप भी फाइनल मुकाबला हार गए हाँ तो वही चीज है इंडिया और आप एक शानू कमल जी कह रहे हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2014 2016 और 2023 विराट के लिए कह रहे हैं अगर हम अपना बेस्ट देते हैं हम अगला वर्ल्ड कप कब जीतेंगे स्मिथ पूरा वर्ल्ड कप जो है हाँ 2021 वर्ल्ड कप 2023 कुछ नहीं किया जीत गए अब किस्मत भी एक चीज है भाई लिखी हुई होती है कुछ चीजें तो आप उसमें कुछ करने सकते हैं यार देखो यार इट्स अ गेम में एक हारता एक जीतता इंडिया 10 हारा एक हार ए 10 जीता एक हार गया चलता अमित शर्मा जी कह रहे हैं ऑलवेज बैड लक इन फाइनल फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट रन ऑस्ट्रेलिया 2 हाईएस्ट रन बाय इंडियन प्लेयर 3 अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो मैच हारा है हौसला नहीं वो कह रहे हैं सपोर्ट है इंडिया को फुल राहुल रॉबिन हमारे भाई बड़े आज दुख में है वो कह रहे हैं एक फाइनल ने बचपन में सोने नहीं दिया था और एक आज जवानी वाली रात भी ले गया बिल्कुल यार 20 ईयर चैलेंज बचपन ने सुन लिए थे 2014 के बाद से जितने आ रहे नॉकआउट्स ये ट्रेविस हेड का भी बैट चेक करवाओ धीरज भाई स्प्रिंग वगैरह तो नहीं है एक बात बताऊं मनोज मैं वो पाकिस्तान वालों टाइप बात नहीं करता अच्छा
कि अपना उनका अपना खुद का थाली चेक करो, दूसरे का थाली चेक मत करो, अपना क्या है वो देखो कि अपने साथ मिच मार्श आंख वाँख मार रहे थे बता रहे हैं, ये तो जीत गई ऑस्ट्रेलिया, वो आंख मार रहे थे, उनका जितनी बुद्धि उतनी सोच उतना ट्वीट करते हैं। संजीत कुमार जी पिच न्यू लेना चाहिए था, वो कह रहे मैच हाई स्कोरिंग चाहिए था उनको। अब पिच पर क्या बात करें यार, हम तो बात करते थे कि इंडिया को जरूरत नहीं है ऐसे सर्फेसिस देने की। राजेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि आईसीसी सोच सकती है कि जब भी आईसीसी टूर्नामेंट मैचेस विंटर में हो तो वो डे मैच हो। डे मैच में फिर व्यूअरशिप नहीं है ना भाई मेरे, और डे मैच में सुबह आप सोचते हो क्या कंडीशन हो सकती है कहीं कहीं पर, वो भी समझना पड़ेगा आपको। सुबह सुबह टेस्ट मैच बन जाएगा और फिर आपका बिजनेस भी है यार, ये जो मर्जी है दिस इज बिजनेस, आपको रेवेन्यू भी देखना है, आपकी स्ट्रांग तक क्रिकेट चल रही होती है तो व्यूअरशिप आ रही है। हाँ आई होप आप लोगों ने बिजनेस से याद आया कि सुपर इलेवन में भी अच्छा रहा हो। आज तो हमारा फाइनल मैच सबका ही खराब गया है क्योंकि हमने इंडिया से सात सात प्लेयर्स लिए थे, पर कोई बात नहीं, इंडियन टीम ने बहुत अच्छा वहाँ पर सुपर इलेवन पर जितवाया भी। अमेरिकन पिस्ताशियोज ने भी हमारा साथ दिया, थोड़ा बहुत टेंशन में हमें लग रहा था कि अलग अलग टोटके होते हैं, अमेरिकन पिस्ताशियोज भी खाकर देखे सब कुछ किया पर विकेट नहीं आई। मानस जी कह रहे सर T20 सीरीज के लिए कल टीम अनाउंस होगी क्या? अभी यार कल हो परसों हो, अभी दिमाग अलग जोन में है, जब मर्जी करो। पुलकित सक्सेना जी कह रहे हैं इंडिया ने कुलदीप को वर्ल्ड कप में ही आउट ऑफ फॉर्म कर दिया फंसी हुई कंडीशंस में ओवर ना देकर। पता नहीं थोड़ा समझ में नहीं आया पुलकित जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट फंसी हुई कंडीशन में ओवर ना देकर। बकुल जी हैं वो कह रहे हैं कि अश्विन को खिलाना चाहिए था सिराज के बदले, स्पिनर्स के लिए तो बाद में कुछ था नहीं ना यार उतना, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको लगेगा कि ट्रेविस हेड थे और अश्विन ही आउट कर देते। बकुल का सवाल है ये, दो स्पिनर पता है हम 2014 से आ रहे हैं ना कभी हमारे आता है WTC फाइनल में अश्विन, एक अश्विन न्यूजीलैंड वाला, तो उसमें अश्विन स्क्वाड में थे वही बड़ी चीज थी, कि अश्विन स्क्वाड में आ गए थे वही बड़ी बड़ी चीज थी वैसे। हां दुष्यंत जी कह रहे हैं एवरीवन हैज सपोर्टेड कोहली'स माइलस्टोन्स बट कोहली के हर मैच का स्लो 100 दिखा नहीं, बट आज सेम राहुल का दिख गया फीलिंग सैड फॉर सेल्फलेस रोहित एंड फास्ट बॉलर्स हार्ट ब्रेकिंग, वो उनका ही कहना कि कोहली सेल्फिश नहीं यार, हमने तो कभी इस तरह की बात कोहली के लिए भी नहीं करी और उन्होंने कोई सेल्फिश, जिस दिन स्लो इनिंग्स की सेल्फिश उस दिन भी नहीं बोला ना कुछ, बहुत बड़ा जो इनिंग्स की बात होती प्रोग्रेशन की, भाई विराट मास्टर है ओडीआई क्रिकेट का, अगर उनकी इनिंग्स में हमें उनके स्टैंडर्ड से रहेगा कि पेस नहीं हुई इनिंग्स तो हम बात करेंगे आज, जितने क्रिकेट जो स्लगिश विकेट था उस पे विराट का स्ट्राइक रेट देख लेना, और आज इनिंग्स कैसे पेस करते हैं वो था वो दुनिया का खिलाड़ी कोई खेलेगा ना वो कैसे खेलेगा, लेकिन विराट अलग लेवल पे। आयुष जी कह रहे हैं कि अहमदाबाद के क्राउड ने भी टीम को लो टाइम पर सपोर्ट नहीं किया, वी शुड हैव हेल्ड फाइनल इन ईडन और वानखेड़े। यार अब ये उधर के क्राउड पर या तो क्या बात, कहीं पर भी अब पता नहीं क्राउड को सपोर्ट तो करना चाहिए। हाँ। तो शिवेंद्र जी कह रहे हैं द वे विराट लेफ्ट इन टीयर्स इन हिज आईज इट ब्रोक एवरीवन्स हार्ट, ही डिजर्व्स बेटर देन दिस इवन फॉर रोहित शर्मा, वो करेंगे बहुत दिल दुखा है। यार राहुल सारे 15 सपोर्ट स्टाफ यार, एक एक इंसान ने मेहनत करी थी यहाँ पर आने के लिए, पता है सिर्फ आप लोग खिलाड़ी और आप सभी लोगों के लिए सपोर्ट यार, अपना घर छोड़ के आए हो तो एक एक बैग उठाने वाला इंसान अपनी मेहनत लगाता है टीम के लिए, और आप सब लोग ना ये देखो ये जो फील्डिंग का मेडल वाला कॉन्सेप्ट था इसके पीछे कितनी मैन पावर लगी होगी या थॉट प्रोसेस रहा होगा, और ये सब लोगों के लिए था, लोगों की टीम को शेयर करने के लिए था। मैं कह रहा हूं हम हैं हमारे साथ जो लोग लगातार 25 30 कभी 50 साल, उन लोगों के भी तो इमोशंस इन्वेस्टेड थे, वो भी तो इस सब में है। ये वर्ल्ड कप चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहां से मनोज धीरज या विक्रांत सर या हम लोग सब बैठ के सब काम करते हैं, पीछे बैठे हैं वो सौरभ भी, वो तो इनको भी हमेशा वो होता है, वो भी इतनी मेहनत करते हैं, वो भी सुबह शाम जागते हैं, सुबह से भूखा उनसे खाया नहीं जा रहा है कुछ, तो ये भाई एक वर्ल्ड कप का एक इमोशन है ना उनका भी। वो हमारा वो बैठा है क्या ना भाई अपना सजग उनसे भी नहीं खाया जा रहा, सौरभ से कुछ खा लेना भाई, पानी तो कम से कम पी लेना, अब ठीक है लाइफ भी आगे बढ़ती है ना, अभी होता सपोर्ट स्टाफ हमेशा। अविनाश जी कह रहे ऑस्ट्रेलिया ने प्लानिंग करके आए थे मैच में, इंडिया की प्लानिंग नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग बेटर थी, आज आपको ये भी देखना है ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग बेटर थी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, श्रीधु जी अगला सवाल ले लें आप, बहुत आपका भी दिल टूट गया है आज, थोड़ा सा यार उनको कुछ दे दो, पानी वानी पिला दो, और आप भी प्लीज पानी पी लो यार, रिक्वेस्ट है, ऐसे मत करो आपकी हेल्थ के साथ, हाँ ऐसे कॉम्प्रोमाइज मत करो। विनय जी कह रहे हैं धीरज भाई आपने बोला था कि इंडिया वन साइडेड मारेगा ऑस्ट्रेलिया को, आज आपके फुके हुए कारतूस ने धमाका किया। मेरे को मार दे कारतूस यार विनय अग्रवाल भाई, तू मार दे यार, मैं क्या बोलूं, लग रहा था जिस हिसाब से इंडिया खेल रहा था लग रहा था, अब नहीं मारा तो मेरे को ही मार दे भाई। आप ये भी देखो ना, जिस तरह से आप उम्मीद करते हो उसी तरह से हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। मयंक बेनीवाल जी पर मैं थोड़ा समझा रहा था आपको कि आप ठीक है बात वो रखे। मयंक बेनीवाल जी कह रहे हैं आई हैड दिस सिंकिंग फीलिंग व्हेन वी लॉस्ट अय्यर बिकॉज ही इज द ओनली प्लेयर हु हिट सिक्सेस इन द मिडिल ओवर, फीलिंग रियली सैड, ये कह रहे हैं मयंक जी। तो वैसे करते हैं बाकी के जितने सवाल हैं, एक अगला जो है क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा। तो रॉबिन थप्पा, सुरेश रैना सारे आप, अब वर्ल्ड चैंपियन से पूछे कि आज कहां पर फासला रहा, तो आपके साथ जुड़ेंगे रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना, विक्रांत सर, निखिल सर, हम सवाल पूछने भी होंगे, अच्छा बताएंगे भी कि उनके, हाँ वो बताएंगे आप लोग का जो सवाल हो पूछे आप।
तो इसके बाद हम आ रहे हैं, ये सारे सवाल शेड्यूल रख लीजिएगा, जो जितने अभी वाले हैं ना वो उनसे शुरुआत कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इजाजत यार, और कोई बात नहीं, सर कोई थोड़ा सा उदास है अभी, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत जो भी खाना वाना खाइए, दिल विल अपना कमजोर मत होने दीजिए।